शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तोपाबाजी में कौन से धूर्त से दक्षिणा लेकर आए हैं आप? अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं बिना उसकी मर्जी जाने? घर की लक्ष्मी होती है बेटी, आपको बोझ लग रही है वो, आपको शर्म आता है? और हम टोपा हैं जो हम एक एक, एक भैरे भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, जिसकी आंखों में काला पट्टा चढ़ा हुआ है बेशर्मी का, और जिसके दिमाग में ना सिर्फ दकियानुसी सोच है, उसको क्या समझाएंगे हम? उसको क्या समझ में आएगा? छोड़ो अम्मा, तुम सुनो, तुम चलो हमारे साथ, हम भी देखते हैं तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा करने से कौन रोकता है। चलो नहीं नहीं सपना तुम डरो मत, हम हैं तुम्हारे साथ। करिश्मा सिंह ने तुम्हारा हाथ थामा है, जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी तब तक हम ये साथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं मैडम जी, सारी गलती मेरी ही है, मैंने अपने पापा मम्मी को बहुत दुख पहुंचाया है, अब और नहीं। सुकुमार बहुत अच्छा लड़का है और हम उससे शादी करने के लिए तैयार हैं। नहीं सपना, ये अंधा प्रेम के चश्मा से नहीं, सही और गलत की दूरबीन लगा के तुम देखो। जज्बाती होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हारा सपना ज्यादा बड़ा है, तुम समझ रही हो? अपने दिमाग से काम लो, अपने दिल से काम मत लो। अमा और तुम इंजीनियर हो, पढ़े लिखे हो, तुमको इतना समझ में नहीं आता कि एक लड़की अपने सपने को दरिए में भागकर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार होती है? क्या नामर्द हो जाओगे क्या 2-4 साल बाद, जो शादी नहीं कर पाओगे? हाँ यू आर राइट, आई लाइक सपना और मैं भी चाहता हूँ कि उसके सपने पूरे हों। इस पुलिस वाली के बहकाव में आकर अगर हमसे बगावत किए ना बेटा, तो याद रखना हमारा मरा मुंह देखोगे। और हाँ, अगर परसों तक सपना से शादी नहीं की ना, तो समझ लेना फिर कभी नहीं होगी। सॉरी डैड। और आप मैडम, 4 किताबें कानून की क्या पढ़ लिया आपने? लगी हमें उल्टा पाठ पढ़ाने? आपने पढ़ा नहीं है क्या? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा कब? शादी तो तय है ना, तो फिर कभी भी हो क्या फर्क पड़ता है? फर्क आपकी आंखों के एकदम सामने आपको दिख का ही नहीं रहा है, फर्क ये है सपना, उसके सपने, वो आगे बढ़ना चाहती है अपनी जिंदगी में। आप लोग उसका भी शादी करा के उसको घर में बिठा देंगे। अम्मा उसको उसका फैसला करने दीजिए ना, उसकी जिंदगी का, उसका जिंदगी है ना वो। फैसला काहे का फैसला, क्या करेगी पढ़ाई लिखाई करके? हाँ करियर बनाएगी, नौकरी करेगी? हमें नहीं करवाना मैडम, हमारे घर की बहू बेटियां शादी ब्याह के बाद नौकरी नहीं करती। मेरा बेटा इंजीनियर है, सक्षम है, और वैसे भी शादी के बाद लड़की की जिंदगी मायके से चल के ससुराल ही पहुंचती है ना, और जितना है सपने में कमाने की नहीं सोच सकती ना, उतना मेरा बेटा 1 महीने में कमा लेगा। ऐसा है ना चाचा कि अपना पैसा तो आप रखिए अपनी जेब में। मैडम प्लीज, अंकल बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, जब मुझे शादी करनी है तो इतने नखरे क्यों करना? पापा मम्मी, मैं अपनी मर्जी से सुकुमार के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सपना हमारा बात, मैडम प्लीज प्लीज आप चले जाइए प्लीज। अब मेरे पास शादी करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। नहीं, पुष्पा जी क्या कर रही हैं आप? हमारा सर है कोई गेहूं का आटा थोड़ी ना जो आप घूटने आ गई हैं। वैसे भी आप हमारी जूनियर हैं, हम आपके सीनियर हैं, हमने थोड़ी ना आपको भाड़े पे रखा अपनी सेवा कराने के लिए। जूनियर नहीं, सीनियर बनके आपकी सेवा कर रहे हैं हम। अच्छा, रातों रात ऐसा कौन सा एग्जाम दे दिया आपने कि आप जूनियर से जो है एकदम सीनियर बन गई हैं? देखिए ड्यूटी पर हम आपके जूनियर सही, मगर घर पर तो सीनियर है ना, हम आपकी सास है। अब ज्यादा बोलिए मत। नहीं नहीं ठीक है सच, हम कह रहे हैं ना आपसे, आंखें बंद कीजिए, देखिए कैसे चुटकियों में आपके सर का दर्द हम गायब कर देते हैं। धन्यवाद पुष्पा जी, ये मेहरबानी आपका याद रखेंगे हम। हमारी भाषा में इसे प्यार कहते हैं, और प्यार जो होता है ना
वो याद नहीं रखा जाता, उसे महसूस किया जाता है। हमने बहुत गलत किया है सपना के साथ। सपना का सपना टूट गया है पुष्पा जी। हम आनंद फनन में गलत कदम उठाते रहे और उसके भविष्य को रौंदते रहे। उसके सपने को आपने नहीं रौंदा, उसके घर वालों ने ही रौंदा है। चले उसकी डूबती नैया को आप तिनके का सहारा दे भी देती है, तो क्या आपको लगता है शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसको नौकरी करने की अनुमति दे देंगे? आप ज्यादा सोचिए मत, आराम कीजिए। नहीं, हमने गलत किया है, बहुत गिल्ट है, हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ओहो, आप क्यों अपने दिमाग पर इतना जोर डाल रही है? हम डाल रहे ना आपके दिमाग पर जोर? देखिए, चुटकियों में आपको कोई ना कोई अच्छा उपाय जरूर सूझेगा। अम्मा, क्या जबरदस्त आइडिया ने एंट्री मारा अभी हमारे दिमाग में। जब दूल्हे का ही टायर पंचर हो जाएगा तो वो शादी तक पहुंचेगा कैसे? धन्यवाद पुष्पा जी। वैसे क्या लगता है आपको, इस बार करिश्मा मैडम कौन सा प्लान वाला तिगड़म भिड़ाई होंगी? I don't know. करिश्मा मैडम मुझे अपने केस में इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करती, because of ego issues. लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी और मेमोरी के हिसाब से उनके प्लान में कोई दम नहीं होगा। मैडम, ये बात हम संधू जी से पूछ रहे थे। Then you should be clear. मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। आज मेरे बाप, क्या टाइम हुआ है? टाइम इज मनी बाबा, आई एम सो बिजी पर्सन इन द वर्ल्ड। अभी भी नहीं आया। आया आया, बिल्कुल स्माइल रेडी। हेलो हेलो, मर गया मैं, क्या अंधे होगा, कैसे गाड़ी चला दियो मारियो। Are you okay, man? I am okay, but you are not okay now. What? Hey, ये क्या निकला? Sorry. My mistake. One sec. कच्चक। चुप, बिल्कुल आवाज नहीं, बिल्कुल चुप किसे गाड़ी में बैठ जाओ। कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? I am kidnapper. Hello. Okay. सब ठीक है. अपने अपने काम के लिए जाओ। निकलो. क्या करने आए हो? क्या करने आए? गीली मूंगफली बेचने आए हूँ। अभी किडनैपर हूँ, किडनैप ही करूंगा ना। चल गाड़ी में बैठ जाओ। बचाओ, ये मुझे किडनैप कर रहे हैं। चुप, बचाओ। एक सिविलियन को मेरी मदद की जरूरत है। नहीं, आपके कान बज रहे होंगे, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। एकदम सटीक विश्लेषण किए हैं आप संतु जी, हमको भी कुछ सुनाई नहीं दिया। मैडम, आपका कान बज रहा है। मेरी सुनने की शक्ति आप लोगों से 100 गुना ज्यादा है। साउंड उधर से आ रहा है। इमरजेंसी मोड ऑन। चुप, नहीं तो इसे गलत फिकर दूंगा ना, बचाओ निकलेगा नहीं, समझे? चुप। ये तो नल्ला निकला, चाकू दिखाने से बेहोश। ए, हेलो, तू किडनैप हो गया रे। अबे उठ जा। हे, पुलिस। बिल्लू जी, करिश्मा मैडम का प्लान है। अब मीरा मैडम, चलिए यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। चलिए, कमांड डिनाइड। मैं आपका कमांड नहीं फॉलो कर सकती। मैडम, कमांड नहीं दे रहे, हम तो पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम चलिए, हो गया। डिनाइड। अरे, ये मरवाएंगी, करिश्मा मैडम को फोड़ेगा फटाफट, वार्डर देंगी। कोई जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई कोर प्रोग्रामिंग, सिविलियन इमरजेंसी के टाइम पे किसी का भी कमांड मुझे मदद करने से नहीं रोक सकता। मीरा जी, I am Billy the spy, मीरा जी, Billy the spy. जानती हूँ, मैं आपको पहले ही स्कैन कर चुकी हूँ। Oh, naughty. But right now, you are a criminal. Criminal? मीरा जी, हमारा तय हुआ था ना ये प्लान, मीरा जी, आप समझ रहे ना? मैं क्या? मीरा जी, खड़ा मुंह क्या देख रहे हैं? जाके हेल्प करना। हाँ, सांतू जी, हम चीता हैं, हम नॉर्मल गुंडा सबको पेल सकते हैं। मीरा मैडम ना हाथी है, हमारे से चार चीता हवा में उछाल देंगी, फिर ना तो हेड बचेगा ना टेल। मैं खुद ही करिश्मा मैडम को फोन लगाती हूँ। मीरा जी, हम आपके, आपको पता नहीं है क्या कर रहे हैं हम। तो करिश्मा मीरा जी, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। मीरा जी छोड़ दीजिए। मीरा जी, ये बेहोश है। मीरा जी, हम भी बेहोश हो जाएंगे, तो बेहोश को कैसे संभालोगे आप?
इस बार मर जाएगा बिलौटा। छोड़ दिया क्या बना दिया धनुष बाण? ने पहले ही कहा था ये टीन का डब्बा काम कम करता है और बचता ज्यादा है ना, मतलब जितने का दही नहीं उतने का तो रायता फैला दिया इन मैडम ने। जिस दिन हमारे दिमाग का बिजली खनकेगा ना, हम बता रहे हैं तुमको ट्रांसफार्मर से बांध के ना हम 440 वोल्ट का झटका दे देंगे, तुम्हारे कान में से धुआं निकाल देंगे हम, समझ रही हो? हाँ हाँ फनी ह्यूमंस, आई कैन विदस्टैंड 440 वोल्ट्स, मेरे अंदर एक इनबिल्ट शॉक प्रूफ सिस्टम है। जैसे जैसे ताजमहल बनाने वालों के हाथ नहीं काट दिए गए थे, वैसे तुमको जिसने बनाना वो हमारे सामने आ गया ना, उसको हम आलू मूली और गाजर की तरह काट देंगे। और तुम वो नहीं कर सकती थी, इसको रोक नहीं सकती थी? कोशिश की थी मैडम, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था और ये धनुष बन चुका था। नॉट पॉसिबल, सिविलियन इमरजेंसी के टाइम पे किसी का भी कमांड मुझे मेरा काम करने से नहीं रोक सकता। अच्छा आप लोग ने मुझे बचा लिया, वरना किडने पर मुझे मार ही देता। टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ तुमको, ना ही कुछ होगा। हाँ ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे आप जेल में डालिए। वही तो रहता हूँ मैं। प्लीज मैम मुझे बचा लीजिए इस किडनैपर से। अम्मा ये हमारा ही आदमी है, कुछ नहीं करेगा, टेंशन मत लीजिए। कोई है यहाँ पर? कोई है? पापा, मुझे पापा के पास पुष्पा जी, संतू जी थे, तुम बाहर जाओ, उनको संभालो, देखो वो क्या कह रहे हैं। अरे मगर आपके दिमाग में प्लान क्या है वो तो बताइए। अरे आप सब ये चाहते हैं ना कि मैडम सर की गैरहाजिरी में हम जो केस है वो जज्बात से सॉल्व करें, तो हम वही कर रहे हैं। जाइए जाइए, आप जाइए जाइए। जी कहिए। मैडम देखिए ना, परसों हमारे बेटे की शादी है, लेकिन सुबह से उसका कोई पता नहीं है, गायब है वो। गायब है? हाँ। प्लीज मैडम, दामाद जी को ढूंढ लीजिएगा, मेरे बेटे के भाग्य का सवाल है। हाँ मैडम, जितना जल्दी हो उसको खोज लीजिए, वरना हमारी बदनामी हो जाएगी। यहाँ हमारे बेटे की जान को खतरा है और आपको शादी की पड़ी है। आपके बेटे को गायब हुए अभी कुछ घंटे ही हुए हैं, आप इतना कहाँ घबरा रहे, बेवजह परेशान हो रहे हैं। मैडम क्या है ना, हमारा बेटा हमें बगैर बताए कहीं नहीं जाता, लेकिन सुबह से उसका फोन बंद है। हमें लगता ना वो ये जबरदस्ती वाला शादी करना ही नहीं चाहता है, हमें लग रहा है कि उसका वो हो गया है, क्या बोलते हैं, वो हृदय परिवर्तन हो गया और वो भाग गया है। हाँ। हाँ। मैडम ये सवाल जवाब करने का वक्त नहीं, आप कृपया करके हमारे बेटे को ढूंढ दीजिए। हाँ हाँ, उनको खोजने का है एक उपाय हमारे पास। ठीक है, बताइए ना, बताइए क्या इलाज है उसके लिए, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। बस चिचा बस, ये क्या मजाक लगा कर रखा है, आप तो कह रही थी हमारे बेटे से मिलाएंगी, कहाँ है हमारा बेटा, दिख तो नहीं रहा? आप एक काम कीजिए, आप पहले नीचे देखिए, अब भगवान को याद कीजिए, अब कूदी मार लीजिए। नहीं, आपका ये जज्बा वाला वीडियो जो है ना, हम वायरल कर देंगे, हर किसी को दिखा देंगे, आपका फटा हुआ चेहरा देख के ना आपका बेटा तुरंत आएगा। चलिए। क्या कर रही हैं आप? अरे मैडम ये क्या कर रही हैं, मर जाएगा वो। बस चिचा बस, आप घबरा कह रहे हैं, रुकिए जरा। हाँ ये जो कुछ भी कर रही है ना, आपके खानदान में जो बीमारी है ना, उसकी संजीवनी बूटी है। हाँ मीरा जी, कैन यू सिट? नो, आई एम स्ट्रॉन्ग। वो तो मैंने देखा है मीरा जी, ये सीधा नहीं हो सकता कमान। हुँ? हो सकता है। करो। थैंक यू बोलू कि तुम्हारी मैया की सासू मैया बोलू। थैंक यू। हो हे हे, आई एम स्मार्ट बिलो द स्पाय। मेरा जी बात पूछूं, आप दिन भर ये पुलिस की ड्यूटी करते रहते, बोर नहीं होते? चलो कभी चांदनी रात में सैर सपाटा करते आते। नो, मैं आपकी तरह निठली नहीं हूँ। मेरा जी ठंड के मौसम में ना गर्मी हो रही है। नो बिलू जी। भाई नो। Stupid humans. ना अजीब टोपा आदमी है। अभी आप कह रहे थे कि आपके बेटे की शादी से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है, आपने ही कहा था।
ना अभी अभी आप देखिए आपको कैसे कैसे आपका दिल आपका हाथ कांप रहे हैं, ऐसे डर खा रहे हैं आप, अपने बेटे के लिए अपनी हड्डी नहीं तोड़वा सकते, हम क्या बात कर रहे हैं, चलिए। ये क्या करिए आप, क्या गारंटी है कि हड्डियां टूटेंगी, हम मर मर आ गए तो फिर शादी का खाना की जगह श्राद्ध का खाना खाएंगे, लेकिन खाएंगे तो जरूर। नहीं मतलब वो आप ही का ही कबीर दास का वो चुराया दोहा है ना, वो कल करे सो आज कर, आज अभी अभी करते हैं, जब आपको कल वैसे भी मरना ही है तो फिर आज ही मर जाइए ना। नहीं पूरी बात, तुम बचाओ, तुम बचाओ, सिविलियन नीड्स हेल्प, बचाओ, ये हमें मारना चाहती है, बचाओ बचाओ बचाओ। हम बस भविष्य और वर्तमान का फासला मिटा रहे हैं, जो होना है वो तो हो ही जाएगा ना, आगे भी होगा अभी भी हो सकता है। दस, आप ऐसा नहीं कर सकती, दिस इज अगेंस्ट द लॉ। हाँ देखिए आपके ऑफिसर ही बोल रही है इट्स अगेंस्ट लॉ, आप ऐसा नहीं कर सकती, हमारे साथ जबरदस्ती मत कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आपके ऊपर जबरदस्ती वाला बात आ रहा है तो बहुत बुरा लग रहा है, आपका जैसे कांप रहे हैं आप, इतना डर गए हैं आप, और उसके साथ जो जबरदस्ती हो रही है वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं पूछ रहा है। वो क्यों नहीं पूछ रहा है वो हम बताते हैं, वो काहे खुद पे नहीं आया ना अभी तक, वो उसी पे ही है, जिस पे बीतता है ना उसी को ही पता चलता है। खुद करे तो सीना तान और दूसरों को करवाओ गंगा स्नान। डैड, डैड क्या है, डैड आप वहां क्या कर रहे हैं, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा मिल गया, बेटा बेटा बेटा, अरे अरे आराम से लेटे लेटे, अरे भाई लेटे लेटे, बहुत खा रहे सुकुमार, ये क्या हो गया, डैड डैड अभी खुद डैड अंकल, हम जिंदा हैं। तो आपको क्या लगा नरक में ही यमराज का भैंसा टहल रहा है, अरे इधर देखकर आप अप्सरा का भी फील ले सकते हैं, जिंदा है आप। ए निठल्ले, आई एम यूनिक पीस, पर तुम जैसे डुप्लीकेट ना धरती पर रेंगते रहते हैं। अंकल आप चिल मारो, अब जिंदा हो, उठो, उठिए 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 उठिए, आइए आइए। ओय रे रे, ओय ओय, अरे यहाँ इतने लोगों की सारी भीड़ जमा हुई है, बदनाम आया चाय लेकर, बदनामी स्पेशल, अरे कौन कौन पिएगा, अरे अभी मरते मरते बचे हैं, फिर से जहर पिला के मारने का ख्याल है तुम्हारा, हट पीछे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी जान बचाई। धन्यवाद इनसे नहीं, सपना से कहिए, सपना ने आपकी जान बचाई है, वरना आपकी जान तो बहुत दूर जाने वाली थी। वही सपना जिसके सपनों को बेकार समझते हैं आप और पढ़ाई लिखाई को वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, उसी ने आज आपकी जान बचाई है और वो ही आगे जाके और भी लोगों की जान बचाएगी। डैड ये सब देखने के बाद आई हैव रियलाइज्ड कि हम सब कितने गलत थे, सपना की लाइफ की स्टीयरिंग हम अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं, वो सपना देख भी सकती है और उसे पूरा भी कर सकती है, मैं 3 साल जो क्या सपना जैसी एम्बिशियस लड़की के लिए 30 साल का भी वेट कर सकता हूं।
आई एम सॉरी सपना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई मीन व्हेनेवर यू आर रेडी. क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आई मीन व्हेनेवर यू आर रेडी. बेटा हमें क्षमा कर दीजिए. अंकल प्लीज इट्स ओके. आज हम गर्व से कह सकते हैं सपना हमारी बेटी है. चीचा आप गर्व से तो पहले भी कह सकते थे, लेकिन क्या है कि आपकी आंख पर आपके खानदानी काई का ना मोटा परत चढ़ा हुआ था, जिसको करिश्मा मैडम पानी मार के हटा दिए. तो कहिए, एकदम नाच से कहिए कि आपकी बेटी है. आपने सिर्फ मेरे ही सपने को उड़ान नहीं दी है, बल्कि हर उस लड़की के सपने को उड़ान दी है जो मेरी तरह जिंदगी में खुद कुछ करना चाहती है. और आपने ये भी साबित कर दिया है कि किसी भी चीज को अगर मन से चाहो तो भगवान उसे पूरा करने में मदद करता है. गजब मैडम, इस बार तो आप बिना लात घूसा का इस्तेमाल किए इन लोगों के मन का जहर काटती. सैल्यूट है मैडम आपको. कांग्रेचुलेशंस मैडम, आज आपने सपना की विश पूरी करके मेरी भी विश पूरी कर दी. लव यू टू संतू. वाह करिश्मा जी, आपके अंदर भी आखिरकार एक छोटा सा कीड़ा है जज्बात का, हा? जो आपको कभी कभी काटता है और जज्बाती भी बना देता है. करिश्मा मैडम और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत 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 थैंक यू. एक सैल्यूट तो बनता है. कौन है आप लोग? विलेंस. जी, हमने आपकी बात सुन ली है. न्यू ईयर पार्टी में आपके यहाँ पे कहा सुनी हुई. अच्छा, झगड़ा हुआ. अच्छा, मारपीट हुई. मगर एक बात बताइए, फूफा मौसा के झगड़े को दंगा थोड़ी ना कहते हैं. ये तो घरेलू कहा सुनी की बात हो गई ना. हाँ, तो आपके घर के पास जो थाना है ना, वहाँ हमने इत्तला कर दी है. वो बस पहुँचते ही होंगे. ठीक है. जी, धन्यवाद. आपको भी हैप्पी न्यू ईयर. जी. तो पिछला 2 महीना से पूरा शहर में सरकार इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाई है, मोबाइल पर, टीवी पर, हर जगह चिल्ला चिल्ला की विज्ञापन दिया जा रहा है कि शराब पीकर गाड़ी मत चलाइए, नया साल का समय है, दुर्घटना हो सकता है. लेकिन नहीं, हमको कहाँ सुनना है. हम तो पिएंगे, चलाएंगे, ठोक दिए ना गाड़ी. भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपका हाथ पैर सलामत है. तो लहराते हुए पहुंचते अस्पताल में आप, भेजते हैं मदद. हैप्पी न्यू ईयर. नहीं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. पुलिस है यहाँ पे आपकी मदद के लिए. बस 5 मिनट में पेट्रोलिंग टीम आपके घर के सामने पहुंची और वो जितने भी शराबी शोर मचा रहे हैं ना, उन्हें भगा देगी. अब बिल्कुल भी मत घबराइए. जी धन्यवाद. हैप्पी न्यू ईयर. यार, ये तुम लोगों की पुलिस की ड्यूटी. पूरा देश बाहर नया साल मना रहा है और आप यहाँ ड्यूटी पे लगे हो. बिल्ले, हम ड्यूटी कर रहे हैं इसलिए लोग नया साल मना रहे हैं. इसी भरोसे को तो पुलिस कहते हैं. करेक्ट मार्क, करेक्ट, एब्सोल्यूट करेक्ट. करो करो ड्यूटी करो. हैं? क्या हुआ, परेशान लग रही हैं आप? तो नहीं होंगे क्या, ये छोटी छोटी उम्र के छटाक छटाक पिद्दे पिद्दे बच्चे जिनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं, वो दारू पीने चले हैं ना. मतलब हमें समझ में नहीं आता है, इनके माता पिता इनको कुछ बोलते नहीं है कि लगाते नहीं है कि इनके मुंह पर कंटा, या बिल्कुल ही खूटे से उखड़े पड़े हैं सबकी सब यहाँ पे. आज हमें मैडम सर की बहुत याद आ रही है. वो अगर होती ना तो ये सब होता ही नहीं. वो पहले से तैयारी करके रखती आज की सुरक्षा नियमों की. पहले से तैयारी तो हमने भी करके रखा था पुष्पा जी, लेकिन आप सही कह रही है. मैडम सर जो है ना, वो इन सब स्थितियों को संभालने में ज्यादा सक्षम है. हम जितना मर्जी कोशिश कर लेकिन उनकी तरह सूझबूझ हमारे अंदर नहीं आ सकता है. कैसा होता है ना पुष्पा जी, नहीं हमको हमारे सीनियर की तरह बनना होता है. और जब हमारे सीनियर की जगह हमको मिलती है, तब हमको समझ में आता है कि जो सीनियर है वो सीनियर ही होता है. वो हर मामले में हमसे सक्षम होता है, हमसे आगे होता है. हमें भी बहुत याद आ रहा है मैडम सर का आज. मैडम सर को मिस तो मैं भी कर रही हूँ. अगर मैडम सर अभी यहाँ होती ना, तो काम के साथ साथ एक छोटी मोटी पार्टी का अरेंजमेंट तो कर ही देती.
सच में हम ही बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब मैडम सर होती ना तो ये नया साल इसे सूखा सूखा तो नहीं जाने देती कम से कम। हे निठल्ली, तेरे लिए नहीं लेकिन संतोष जी सिर्फ आपके लिए ये नया साल सूखा सूखा नहीं गीला गीला बना देते हैं। सबके लिए कोल्ड ड्रिंक एंड समोसे का ऑर्डर देते हैं। टेंशन मत लो, बना देंगे ये नया साल हाई फाई जब साथ है बिल्लू द स्पाई। हाँ मम्मा, मैं सच कह रही हूँ मम्मा, ट्रस्ट मी, न्यू ईयर की पार्टी सुरभि के घर पे ही है और मैं यहीं पे हूँ। अरे तो अंदर पार्टी चल रही है ना, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए बाहर आई। अच्छा ठीक है, लेकिन देख किस पे ज्यादा भरोसा मत करना और किसी अनजान इंसान के हाथ का कुछ खाना पीना मत। मम्मा और सुन, अकेले मत आना, अपनी किसी सहेली को बोलना तुझे घर तक छोड़ देगी या फिर हमें फोन करना, मैं तेरे पापा को भेज दूंगी, वो तुझे लेने आ जाएंगे। मम्मा प्लीज आप चिल करो, आप ना 90s के पेरेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हो, पता है आपको? मम्मा इट्स 2021। अरे चलता फिरता शहर है, जंगल थोड़ी ना है कि कोई भी जानवर आके मुझे खा जाएगा। बेटा जानवर सब में होता है, बस सही मौका चाहिए उसे बाहर निकलने के लिए, समझी? ओ अभी कैब ड्राइवर ने मेरी कैब क्यों कैंसिल कर दी? अरे मम्मा मम्मा मैं बाद में बात करती हूँ। अरे बेटा सुन तो। मम्मा नहीं 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 प्लीज अभी नहीं, चले जाओ, बाय 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 बाय। ये लड़की भी ना फोन कट कर दी। हाँ सर भी। मैडम कैब चाहिए क्या? आइए ना बैठिए, रेडी है। बस मुझे निकलना होगा, अरे बहुत लेट हो जाएगा फिर। हाँ बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी अभी। मस्त थी ना पार्टी, आइडिया किसका था? मेरा। क्या हुआ? चलो 10-20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, बैठे बैठे हमारी कमर भी अकड़ गई है ना? कमर तो मेरी भी अकड़ गई है पुष्पा जी, है ना? हाँ। तो थकान भगाने का हमारे पास एक बहुत नायाब तरीका है। हे, क्या? बिल्ले जा लेकर आओ। 12 से पहले बिलौटे से काम मंगा दिया है। बताते हैं। करिश्मा जी आइए आइए, मीरा जी आइए आइए आइए। ये देखो संगीत, मन की शांति के लिए संगीत से अच्छा दूसरा कोई इलाज नहीं है। देखो रात भर काम तो करना ही है, तो क्यों ना काम के साथ साथ थोड़ी सी मस्ती और थोड़ा नाच किया जाए। बिले लगाओ गाना, लगाओ। चुप करा इसे, हाथ बांध इसके। समीर, हाँ? लखनऊ से निकलने में कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे यार, किसी सुनसान रास्ते पे रोकना, इसको बांध के डिक्की में डाल देते हैं। अबे कहीं चेकिंग वेकिंग हो जाएगी ना तो फंस जाएंगे यार। सुन एक काम कर, आगे से राइट ले ले, वो राजा रोड का कच्चा रास्ता है ना, हाँ। वहीं चल ले, पकड़ इसको। डिक्की में तो डाल दिए, लेकिन अब आगे क्या करना है सोचा है किसी ने? अड्डे पे ले चलते हैं और क्या,
भीमा भाई को फिरौती की रकम नेगोशिएट करने में 2-3 दिन तो लग ही जाएगा। तब तक इसको अपने पास रखना होगा। ये भी सही है यार, अपना न्यू ईयर भी बन जाएगा। मुझे जल्दी ही हेल्पलाइन पे कॉल करके मदद मांगनी होगी। हाँ हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, बताइए क्या सेवा कर सकते हैं आप? हेलो 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 हेलो, महिला पुलिस थाना कौन? मुझे बस डिक्की में इन लोगों ने एक मिनट, बंद करो। हाँ, क्या बोल रही थी तुम? इन लोगों ने मुझे गाड़ी के डिक्की में बंद करके रखा है। प्लीज मुझे बचा लीजिए। कौन लोग किसकी बात कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता ये लोग कौन है। बस ये तीन लोग हैं। कौन तीन लोग? नहीं जानती मैं, इन लोगों ने मुझे किडनैप करके रखा है। मुझे बबल्स क्लब से उठाया है। अभी 15-20 मिनट पहले बबल्स क्लब का सीसीटीवी फुटेज निकालो, आधे घंटे का, जल्दी हमको तुरंत बताओ। हेलो, हाँ चीतू, तुम गाड़ी निकालो। हाँ सुनो, तुम घबराओ मत, तुम सबसे पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? त्रिशा गुलाटी। त्रिशा देखो, तुम्हें घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। हाँ बस तुम हमें ये बताओ कि तुम हो कहाँ पे? मुझे नहीं पता ये लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप प्लीज मुझे बचा लीजिए। देखो त्रिशा, थोड़ा धीरे बोलो वरना किडनैप उसको पता चल जाएगा कि तुम फोन पे बात कर रही हो। जल्दी से कॉल कॉन्फ्रेंस में डालो, हमको कनेक्ट करो और फुटेज मिले तो हमें अपडेट करना। पुष्पा जी आपके साथ होगी, ठीक है? और आप हमारे साथ मगर हुआ क्या है बताइए। नहीं अभी नहीं बता सकती, बाद में बताएंगे, अपडेट कीजिए। मीरा, फटाफट गाड़ी के ब्लूटूथ से हमारा फोन कनेक्ट करो, जल्दी। डन। त्रिशा, आवाज आ रहा है? हाँ आ रही है, आ रही है। संधु, लाइन पर हूँ मैडम। बहुत बढ़िया। त्रिशा, अच्छा तुमने उनका हुलिया देखा था, वो कैसे दिखते हैं, कुछ हमको उनके बारे में बता पाओगी? नहीं मैम, उस आदमी ने जिसने मुझे खुद को कैब ड्राइवर बता रहा था, उसने मास्क पहना हुआ था, और तब मुझे अपने फ्रेंड का वीडियो कॉल आ गया तो मेरा ध्यान नहीं गया उसकी शक्ल पर, मुझे ख्याल भी नहीं था क्या ऐसा कुछ हो जाएगा। माँ किस्मत देखो, इनका भी आधा घंटा पेट्रोलिंग पे निकले थे हम, अगर थोड़ा आगे पीछे होता ना तो ये हादसा ही नहीं होता। कैसे भी करके हमें उन तक पहुँचना है, एक लड़की की इज्जत का सवाल है। इज्जत मतलब मान सम्मान स्वाभिमान, जान जाए पर इज्जत ना जाए। राइट, इज्जत इंसान के लिए सब कुछ होती है, इज्जत से बड़ा इंसान के लिए और कुछ नहीं होता, और लड़की के लिए इज्जत तो सब कुछ होती है। अच्छा त्रिशा, तुम्हारे सामने उन्होंने कुछ तो बात किया होगा, कुछ ऐसा लिंक जो हमें उस तक पहुँचा सके, जो हमें कुछ भी ऐसा कुछ याद करो, कुछ उन्होंने तुम्हारे सामने से कुछ बात किया था? समीर, लखनऊ से निकलने में कम से कम 1 घंटे लग जाएंगे यार। हाँ, मैम याद आया, उनमें से एक लड़का बोल रहा था कि लखनऊ से बाहर जाने के लिए कम से कम एक घंटा लगेगा, ऐसा कुछ मैंने सुना था। इसका मतलब वो लखनऊ से बाहर निकलने का सोच रहे हैं। लेकिन मैडम, ये जो बबल क्लब है तो हजरतगंज में आता है, और हजरतगंज शहर का सेंटर पॉइंट है, और वहाँ से कहीं भी जाना हो, फैजाबाद रोड, अलाहाबाद रोड, कानपुर रोड, हर जगह शहर की सीमा क्रॉस करने में 1 घंटा ही लगेगा। इसका मतलब वो शहर की सीमा कभी भी पार कर सकते हैं, हमें उनको दबोच रहे, उस लड़की की इज्जत का सवाल है, हमें उनको बचाना है कैसे भी करके। संतू, लोकेशन पता करो जल्दी, कितना टाइम लग रहा है? जी संतू, का हुआ, इतना टाइम कहाँ लग रहा है? पापा टाइम नहीं है, मैं आईटी में कोई फोन नहीं उठा रहा मैडम, न्यू ईयर की वजह से डेस्क पर कोई नहीं होगा, मैं त्रिशा की लोकेशन ट्रेस कर रही हूं। अमा तो सर्वेलेंस पे तो डालो। मैं ट्राई कर रही हूं मैडम, लेकिन नेटवर्क इतना स्लो चल रहा है, ये न्यू ईयर ईव की वजह से सिस्टम से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। मैं कोशिश कर रही हूं लेकिन बता नहीं सकती कितना टाइम लगेगा।
कोशिश करो, जल्दी करो और हमको बताओ, हमें अपडेट करो जल्दी। मैडम, मैडम जी, मैडम जी, मैडम, हमारी बेटी, मैडम, हमारी बेटी शायद किसी मुश्किल में है। त्रिशा, त्रिशा नाम है उसका। त्रिशा, त्रिशा गुलाटी? हाँ हाँ, त्रिशा गुलाटी है, क्या आप उसे जानती हैं? देखिए, उसकी फ्रेंड सुरभी का फोन आया था, उसने कहा वो लोग वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे थे और अचानक से पीछे से कोई आवाज आई और फोन स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद से उसका फोन नहीं लग रहा है। मैडम प्लीज बताइए ना, मेरी बच्ची कहाँ है? जी, त्रिशा का अपहरण हुआ है। घबराने की कोई बात नहीं है, हमारी एसआई करिश्मा मैडम जो है ना, वो लगातार फोन पे कांटेक्ट में है उनके साथ, उसे ढूंढने निकली है वो। फोन पर है, मेरे भी बात करवाइए मेरी बच्ची से। जी आई आई। करिश्मा जी, हाँ, त्रिशा के माँ बाप यहाँ उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, त्रिशा के साथ बात करना चाहते हैं, हो सकती है बात? हाँ, कनेक्ट करो, लेकिन उनको बोलो जल्दी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ, मैं कनेक्ट कर रही हूँ मैडम। हेलो, हेलो त्रिशा। मम्मा, मम्मा प्लीज मुझे बचा लो, फिर चाहे ना आप मुझे डांट लेना, मुझे मार लेना, पर पहले प्लीज मुझे बचा लो, यहाँ से निकालो मम्मा। हम आ गए बेटा, तुम बहादुर बच्ची हो ना मेरी, बस हिम्मत से काम लो बेटा। पापा, पापा मुझे वाटर लग गया पापा, ये लोग काले थे, मुझे नहीं पता। आप ना हिम्मत से काम लीजिए, अगर आप ऐसे रोना थोड़ा करेंगे तो फिर उसका हिम्मत टूट जाएगा, आप समझ रहे? हम आपसे बाद में बात करते हैं, और आप बिल्कुल टेंशन मत दीजिए, आपकी बेटी एकदम सही सलामत हम आपको वापस ला के देंगे, हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा कहाँ तक पहुँचे, कहाँ जाए, किधर होंगे ये लोग, कहाँ से उनको पकड़े, कहाँ से दबोचे उनको, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। मैं पता लगा सकती हूँ कि गाड़ी कौन सी है। तो अभी तक क्या मुंह में दही जमाया हुआ था तुमने, बोलो जल्दी, कैसे पकड़ सकते हैं? त्रिशा, मैं ASI मीरा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या सुन पा रही हूँ? Say it loud and clear, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? ना सुन पा रही हूँ। ओके, तुम्हारी हाइट कितनी है? पाँच फीट सात इंच। ओके, डिक्की की लेंथ और हाइट बताओ। डिक्की, एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं आ रहा मुझे कुछ। अंदाजा बताओ, तुम गाड़ी के अंदर लेटी हुई हो, तुम्हारे पैर कितने मुड़े हुए हैं? एक फिट। ओके ओके, अब ऊपर देखो। ऊपर क्या देखो, सब अंधेरा है। छत को छूकर देखो और बताओ कि डिक्की की छत की ऊंचाई कितनी है। ओके ओके, एक फिट है शायद। ओके, डिक्की के साइज के अकॉर्डिंग ये ना तो एक SUV है और ना कोई छोटी कार। तो कार है ये? ये एक सेडान है। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, गुड जॉब। थैंक यू। पानी पीजिए। क्लब की CCTV फुटेज मिल गई है मैडम। बढ़िया संतू, तुम जल्दी से चीते को भेजो, हम देखते हैं। हाँ, चीते के फोन में ऑलरेडी भेज दिया मैंने। चीते दिखवाया? हाँ मैडम। ला, दिखो। जैसा कि आप CCTV फुटेज में देख रही होंगी मैडम, क्लब के पार्किंग लॉट में 3 सेडान गाड़ियां हैं। अब हर एक को जूम करके उनकी नंबर प्लेट जानना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बहुत अंधेरा है। 2 सिल्वर और 1 व्हाइट। इसका मतलब है इतनी सीमित गाड़ियां जो हमको ढूंढनी, पर सवाल ये है कि ऐसे लखनऊ शहर में तो कितनी सिल्वर रेड और व्हाइट गाड़ियां किस किस को ढूंढेंगे, कैसे पहुंचेंगे इन गाड़ियों तक, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, नेटवर्क नहीं। देखो त्रिशा, डरने का कोई बात नहीं है, हमने ना तुम्हारे माँ बाप को जवान दी है और ये सारा शहर जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे, हम उनको दबोच लेंगे आके। बस तुम बिल्कुल भी मत जाना, तुम्हें बहुत एक मजबूत लड़की की तरह अभी तुम्हें बिल्कुल भी हौसला नहीं खोना है, तुम्हें फाइट करना है, ये जो सिचुएशन है ना तुम्हें इससे फाइट करना है और इसमें हम तुम्हारे साथ है, तुम घबराओ मत। हाँ, तुम फिर भी सुनो, तुम सुनो वो क्या बात कर रहे हैं, बस वो सुनो। तुम
अरे यहाँ क्यों रोक दी? मैं भूख लगी, कुछ खा के चलते ना। तो यहाँ का कबाब पराठा बड़ा खतरनाक बनता है, खा के तबीयत हरी ना हुई तो कहना। अरे तू भी ना यार, ये कोई खाने का टाइम है? पीछे डिक्की में लड़की है, पकड़े गए तो? ए यार कितना फट्टू है ये, लड़की डिक्की के अंदर है और रस्सी से बंधी हुई है, कैसे पकड़े जाएंगे? चल। अरे लेकिन, अरे चल ना। हाँ भाई, 3 प्लेट कबाब पराठा और बिरयानी और 2 बोतल पानी। सुनिए सुनिए सुनिए, सब भाइयों और बहनों को सूचित किया जाता है। मैं कोई लाउड स्पीकर पे कुछ बोल रहा है, कुछ अनाउंसमेंट सा लग रहा है। ये भी बहुत अच्छा है, तुम सुनो उस अनाउंसमेंट में वो क्या कह रहे हैं। वो कोई जगह बता रहे हैं, कोई आसपास के एरिया का बात करें, क्या बात करें, बस हमें वो बताओ। हाँ, यहाँ आपके इलाके में ये हमारी नई केमिस्ट शॉप खुली है। नया साल भी शुरू हो रहा है, हमारी तरफ से आप सभी को डिस्काउंट दिया जा रहा है। मैम ये कुछ मेडिकल का मेडिसिन का डिस्काउंट हो, मेडिसिन पे कोई, बहुत बढ़िया। तुम सुनो आसपास मेडिकल स्टोर किस एरिया में, कुछ देखो वो क्या बोल रहे हैं। तुम सुनो 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 तुम सुनो। याद रखिए, संडे कबाब जंक्शन के ठीक सामने। मैम संडे कबाब जंक्शन की मैया का। अगर हमारा अंदाजा ठीक है ना, तो ये लोग खाने पीने के लिए रुके हैं वहाँ, और ये सही मौका है उनको दबोचने का और उसको उनके जॉल से निकालने का। मीरा, वो एरिया अमीनाबाद चौकी के अंडर में आता है, वहाँ पे फोन करो और उनको बोलो कि हमारी एसएचओ से बात कराए अभी तुरंत तुरंत। ओके। क्या हुआ बे, तेरे थोबड़े पे 12 क्यों बजे हैं? पता नहीं यार, मेरी गट फीलिंग मुझे कह रही है कि हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। यार मेरी बात सुनो, हम लोग यहाँ से चलते हैं ना यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। अरे यार इसको समझाना, फिर से शुरू हो गया इसका। नहीं यार मेरी बात सुनो ना, तुम लोग, हम लोग लड़की को पहले फार्म हाउस पहुँचा देते, उसके बाद जो खाना है जो पीना है हम करेंगे ना यार। मैं तो कहता हूँ हम तीनों भाई मिलकर पार्टी करेंगे, लेकिन अभी यहाँ से चलते हैं प्लीज। पका मत, पराठा खा, दारू पी, चिरवा, ज्यादा मूड खराब करेगा ना, तुझे भी बंद कर दूंगा डिग्गी में लड़की के साथ। इसकी तो मौज हो जाएगी। अम्मा ये ट्रैफिक। मैडम अमीनाबाद पुलिस चौकी को फोन मिल गया है, बात कीजिए। हाँ, हेलो हेलो, हम एसआई करिश्मा सिंह बोल रहे हैं, आप कौन बोल रहे हैं? कांस्टेबल नत्थु प्रसाद बोल रहे हैं मैडम। जय हिंद। जय हिंद जय हिंद, अपना थाना प्रभारी से बात कराइए अभी। जी नहीं साहब, तो मौका ये वारदात पर गए हैं। बेगम मार्केट में किसी ने नए साल की पार्टी में गोली चला दी। साहब वही गए हैं स्थिति को नियंत्रण करने, और चौकी स्टाफ भी उनके साथ गया है। हम अकेले हैं ड्यूटी पर मैडम। हाँ ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, फोन रखिए। हेलो मैम आप आए ना? मैम आप आ रही है ना? हाँ हमारे हम तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे। त्रिशा वैसे तो उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर हमारे पहुंचने से पहले गाड़ी स्टार्ट होता ना तो हमको तुरंत बताओ। हाँ नहीं तो हम पहुंच ही रहे हैं, हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे, अभी बस आने वाले, तुम टेंशन मत लो। ओके। चलो एक बात क्या है ना यार, बड़ी भूख लगी है। हाँ? अभी तो इतना कुछ खाया है, फिर से भूख लगी? अबे वो पेट की भूख थी, ये किसी और चीज की भूख है। बड़ा अजीब सा जानवर है, कितना भी खिलाओ भूखा ही रहता है। देर किस बात की है, फार्म हाउस चलते ना। चलो चलो। मैम
ऑलरेडी स्टार्ट हो रही है। मैम ये लोग निकल रहे हैं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उनको निकलने दो, लेकिन तुम ना अपना कान लगा के रखो कि वो क्या बात कर रहे हैं, उनका बात सुनने का कोशिश करो हाँ, और हमको बताओ। अरे रुक 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 यार। क्या हुआ भाई? यार मेरा फोन छूट गया शायद। यार अरे तेरा ध्यान किधर रहता है? कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे ले ले गाड़ी। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अरे जाना फोन लेके आ। चल जा। हेलो मैडम। हाँ 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 क्या हुआ? मैडम गाड़ी फिर से रुक गई। हाँ? फिर से रुक गई? इसका मतलब वो लोग वहीं आसपास होंगे। इसकी मैया का ये नहीं छूटेंगे, इनको को तो दबोच के रहेंगे हम आज। सिल्वर गाड़ी स्कैन करो ना। ओके। ओ भाई भाग 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 भाग, पुलिस पुलिस पुलिस, भाग 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 भाग। वो रही सिल्वर सेडान जो मूव कर रही है। इसकी मैया का चलो। टीम के डब्बे जैसा ही काम करोगी। क्या कहा था, कहाँ लेकर आई हो, क्या ये सब? आपने जो कहा था मैंने वही किया। आपने कहा था एक मूविंग सिल्वर सेडान को ढूंढना है, मैंने ढूंढी। अब वो सही है या गलत ये आपका आउटलुक है। नहीं हम तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे पास आएंगे, हम तुम्हारे पास आएंगे, हम इस कुत्ते को। संतू लखनऊ से फटाफट हमारा कॉल कनेक्ट करो और हमारी आरजी से बात कराओ जल्दी। अब पुलिस का काम करेगी पब्लिक। अब नए साल में पब्लिक और पुलिस का ये जुगलबंदी एक इतिहास रचेगा। जल्दी कनेक्ट करो हमारा कॉल। मैंने अभी अपनी मेमोरी रिवाइंड करके देखा, वहां से कुछ फासले पर एक और सिल्वर सेडान थी जिसने लेफ्ट किया था। अब माफ कीजिएगा भाई साहब, आप जा सकते हो। तुम कब बताओगे ये? चलो चलो जल्दी। हेलो। जी 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 हेलो, हम एसआई करिश्मा सिंह बोल रहे हैं।
हमें ना आपका बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। अभी एक अपहरण हो गया है, एक लड़की को गाड़ी में ले जाया जा रहा है, हमें उसको बचाना है, उन गुंडों तक पहुंचना है, उनको धर दबोचना है, और एक लड़की की इज्जत का सवाल है। हम चाहते हैं आप हमारा मदद कीजिए। आप हमारा मदद करेंगे? जरूर, बताइए आपके लिए क्या कर सकते हैं। हाँ, तो जो भी आरजे अभी ऑन एयर है ना, उनसे बात कीजिए, हमें कनेक्ट कीजिए, और हमें लाइव आना और अभी जनता से बात करनी। ओके, हम अभी आपको लाइव ऑन एयर कनेक्ट करते हैं। जी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ऑन एयर हैं। पुष्पा जी। हाँ। करिश्मा मैडम एफएम पे कुछ बोल रही है। हाँ। सभी सुनने वाले को हमारा प्रणाम। हम ऐसा करिश्मा सिंह बोल रहे हैं। कुछ ही टाइम पहले हमारी एसएचओ हसीना मैडम ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक अकेली लड़की हमारे समाज का जिम्मेदारी होती है, मौका नहीं। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के भेजे में ये बात नहीं घुसा है। जी हाँ, हमारे शहर से हमारे समाज की एक लड़की का अपहरण हुआ है। उन लोगों ने एक सिल्वर कलर की सेडान में उस लड़की को डिगी के अंदर बंद करके रखा हुआ है, जो आखिरी बार कबाब रेस्टोरेंट के पास देखी गई थी। अगर आप हसीना मैडम की ये बात मानते हैं, कोई भी माँ, कोई भी बहन, किसी की भी बेटी, वो हमारे घर की इज्जत है। अगर आप चाहते हैं कि हर एक लड़की को एक सुरक्षित माहौल मिले, वो किसी भी गली, किसी भी नुक्कड़ पे जाए, उसको लगे कि मैं एक शहर में नहीं, अपने परिवार में घूम रही हूँ, अगर आप उसे ये माहौल देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो लड़की ये कहे कि मैं एक शहर में नहीं, मैं एक परिवार में रहती हूँ, जहाँ मेरे पीछे एक हाथ नहीं, 1000 हाथ है, अगर आप ऐसा सुरक्षित माहौल उसको देना चाहते हैं, तो आज वो समय आ गया है कि हम वो साबित करके दिखाएं। हे शिव जी, अब बस आप ही का सहारा है। करिश्मा मैडम ये जो ऑन एयर बोल रही है, वो कमी नहीं ना सुन ले। जैसी आपको सिल्वर सेडान दिखती है, आप उसका नंबर नोट करें और हमको कॉल करें, तुरंत कॉल करें, और हम उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। एक अकेले हम नहीं, हम सब। आज बहुत सुना है हमने, बहुत पढ़ लिया, बहुत देख लिया, लेकिन आज वो टाइम आ गया जब हम एक लड़की की इज्जत बचाए, और इसमें हमें आप सबका साथ चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारा साथ देंगे। जय हिंद। जय हिंद। देखा, ये है हमारी बहुरानी। हमारे लल्ला के तो भाग ही खुल गए। दीपक। हाँ। बची हुई बना ना। बना। हिम्मत रखो, हम लोग आ रहे हैं। बचा लेंगे तुमको त्रिशा, कुछ नहीं होने देंगे हम तुमको। हसीना मैडम होती तो वो भी क्या करती, ऐसे बौखला कर, संयम खोकर पागल हो जाती, या फिर शांत होकर, एकाग्र होकर इस मुश्किल का रास्ता खोजती। कोई भी मुश्किल कभी अकेले नहीं आती, हमेशा अपना हल साथ में लेकर आती है, बस उसे समझने की देरी है। और हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि हर चीज का इलाज है जज्बात। मैं मुझे लग रहा है गाड़ी ना छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर से गुजर रही है, क्योंकि कंटिन्यूस वैसे ही झटके खा रही है। मैडम लगता है स्पीड ब्रेकर ही है। हेलो हेलो, त्रिशा बोलो। इसकी भैया छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर कहाँ हो सकते हैं? शहर से बाहर जाने के रास्ते पे कहाँ हो सकते हैं? कानपुर हाईवे पर। नहीं, हाईवे पर कहाँ स्पीड ब्रेकर होता है? नहीं, दिल्ली आगरा रोड, उसमें छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स है। नहीं, वहाँ क्यों जाना है? हमें तो ये सोचना है कि लखनऊ के बाहर जाने वाले रास्ते पर छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स कहाँ है। हाँ, वही होते हैं, मतलब जहाँ आसपास धर्मस्थल, स्कूल, अस्पताल और रेलवे क्रॉसिंग होते हैं, वहीं पे होते हैं। तो मुझे जितना पता है, मतलब लखनऊ से बाहर जाने वाले रास्ते पर धर्मस्थल, स्कूल, अस्पताल, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो बचा क्या? रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे फाटक तो एक ही रास्ते पर है, चंद्रपुर रोड पे, और वो यहाँ से 1.35 किलोमीटर के फासले पर है। भगाओ मेरा बोलो। एफएम पर सुनकर एक कॉलर ने रायबरेली हाईवे पर रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग के आगे एक सिल्वर सेडान आइडेंटिफाई की है। वो फास्ट जा रहा था, इसलिए फॉलो नहीं कर पाया।
नहीं 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 नहीं, इस कॉलर से तो डबल चेक हो गया ना कि हमारा जो टारगेट है वो आइडेंटिफाई हो चुका है, वही चढ़ाना, वही चढ़ाने के। चलो मिलो, चलो फास्ट। नमस्ते साहब। नेट कॉल नहीं कॉल सकता साहब। क्यों बे, क्यों नहीं कॉल सकता? चाबी नहीं है साहब। कहाँ है चाबी? वही तो नहीं मिल रही है साहब, पता नहीं कहाँ खो गई है, सुबह से ढूंढ रहा हूँ साहब। तेरी तो चाबी नहीं, ऐसे करता है नौकरी, अब क्या करेंगे हम लोग? अब खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहा है, जाके किसी चाबी बनाने वाले को बुला के ला, दफा हो। ओके, अब क्या करें? अबे करना क्या है यार, वो साइड में छोटा वाला गेट है ना, लड़की को डिक्की से निकाल के वहीं से ले जाते हैं ना। चलो डिक्की खोल यार, किसी ने देख लिया तो? कोई दिखाई दे रहा तुझे आसपास? चारों तरफ तो सन्नाटा पसरा पड़ा है, कौन देखेगा हमें? यार तू डिक्की खोल। अबे इसने तो रस्सी खोल रखी है, तीखी मिर्ची निकली है तो भाई बड़ा मजा आएगा खाने में। I like mirchis. अबे पकड़ो! मीरा रुको, पीछे हटो। चीते रुक जा, मैडम को कुछ नहीं होगा। Thank you. करिश्मा सिंह, हम सब जानते हैं आपने जिस समझदारी, बहादुरी, संयम से इस केस को सॉल्व किया है ना, उस बच्ची को बचाया है, इसके लिए हसीना मलिक की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना कम है। अरे भाई, इस केस में हमें करिश्मा सिंह तो कहीं दिखाई नहीं दी। इस पूरे मामले में लगा जैसे हसीना मलिक जी ही हैं। वही सूझबूझ, वही ठहराव, वही समझदारी। अब इसके लिए इसका पूरा श्रेय हसीना मलिक को ही तो देना चाहिए। जी सर, बिल्कुल।
हमें बहुत खुशी है इस बात का कि हम हसीना मैडम का परछाई बन पाए। तो आप लोगों को एक बार फिर से इस सफलता के लिए बधाई देते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और आने वाले पुलिस डिपार्टमेंट के पुरस्कार समारोह में करिश्मा सिंह का नाम जरूर शामिल किया जाएगा। धन्यवाद 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 सर। जय हिंद। जय हिंद सर। क्या बात है, शब्द नहीं है मेरे पास आपको थैंक यू कहने के लिए। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ अपना ड्यूटी निभाया है। सच कहे तो इस केस का श्रेय जो है वो हमको नहीं, हमारी एसआई मीरा को जाता है। अगर एसआई मीरा नहीं होती, इनका सपोर्ट हमको नहीं होता, तो आज अभी इस वक्त हम यहाँ इस केस की कामयाबी का बात नहीं कर रहे होते। तो एसआई मीरा, बहुत बढ़िया काम किया है आपने, धन्यवाद। वो क्या कहते हैं आपकी अंग्रेजी में, गुड जॉब। आपसे ही सीखा है that hug is the best form of expressing your feelings. आपने मेरी तारीफ की, मुझे अच्छा लगा, इसलिए हग करके एक्सप्रेस किया। मीरा जी, गुड जॉब, गुड ट्राई। धन्यवाद मीरा। हम आपसे और आप जैसी सभी लड़कियों से एक बात कहना चाहते हैं। आप सभी लोग अपने फोन पे दुनिया भर का ऐप डाउनलोड कर लेती हैं, पर एक SOS नाम का ऐप डाउनलोड कर लेना तो बढ़िया हो जाएगा। संतु जी, इस ऐप से हमारे घर वालों को हमारी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता रहता है। कभी कोई भी इमरजेंसी हुई तो फोन में बस एक बटन ही दबाना होता है। भगवान ना करे कभी ऐसी इमरजेंसी या ऐसी कोई प्रॉब्लम दोबारा आए, बट अगर ऐसा हो तो आपके फैमिली वाले और हम पुलिस सही वक्त पर आकर आपकी हेल्प कर सकें। बिल्कुल, ये ऐप मैं अब भी डाउनलोड करूंगी। बहुत बढ़िया। मैडम जी, हमारे लिए तो इस नए साल में आप लोग फरिश्ता बनकर आए हैं। और आप ही नहीं, देखा जाए तो आप जैसे पुलिसकर्मी आम जनता के लिए फरिश्ता ही है। जब सारी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी रहती है तो उस वक्त आप पुलिसकर्मी हमारी सेवा में तैनात रहते हैं। बिल्कुल, लोग बिना डरे बिना किसी परेशानी के न्यू ईयर सेलिब्रेट कर पाए, इसलिए आप अपना घर अपनी फैमिली सब छोड़कर बस यही ड्यूटी में लगे रहते हैं। औरों का तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों के इस त्याग और निष्ठा के लिए हम जरूर आप लोगों के लिए सैल्यूट करना चाहते हैं। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, और हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। हमारी तरफ से, मैडम सर की तरफ से, महिला पुलिस थाना परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए और खुश रखिए, यही बेस्ट तरीका है जिंदगी जीने का। हैप्पी न्यू ईयर। साल का पहला दिन संतु, और तुम ऐसे सुस्त होके बैठी हो, चाय पी लो। पता है बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? मतलब आप? बड़े बुजुर्ग। बड़े बुजुर्ग, हम नौजवान नहीं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि साल का पहला दिन जैसे गुजरता है ना, वैसे ही पूरा साल गुजरता है। इसीलिए ये तुम लोगों के हाथ में है कि साल का पहला दिन मगरमच्छ की तरह सुस्ता के बिताना है कि चीते की तरह फुर्तीला बनकर जीना है। आतंकवादी हमला, कौन है? पुष्पा जी। पुष्पा जी, ये चीते की तरह? हाँ, ये चीता नहीं, जंगल वाला असली चीता। चीते के नाम पर मजाक वाला चीता नहीं। क्या पुष्पा जी आज भी मजाक उड़ा रही हैं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो ना, हमारी तरफ से तुम बच्चों को नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी पुष्पा जी। और आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। मेरे सिस्टम में हैप्पी न्यू ईयर फीड है, मैं जानती हूँ कि आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। तुम मशीन की तरह, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। इतना ठंडा ठंडा क्यों कर रही हो आप? ऐसे हमारी तरफ देखो, कैसे जोशीले हैं हम, ऐसे जोश की तरह, इंसानों की तरह करो। ओके। हैप्पी न्यू ईयर। बस मैडम, रिक्वेस्ट। वैसे संतु, तुमने नए साल का कुछ लोशन लिया कि नहीं? लोशन? लोशन तो है मेरे पास। वो वाला लोशन नहीं, वो नए साल में लेते हैं ना, वो रिजोल्यूशन। हाँ हाँ, वही, हम वो ऐसे आ रहे थे,
क्या कर रही हो तुम फिर? मैंने तय किया है कि अब मैं प्लम्बर का पूरा कोर्स सीखूंगी और अपने क्वार्टर कनल ठीक करूंगी। गजब, बेहतरीन। आप बताइए, आपने क्या लोशन लिया है? हम ना, हमारा दादी बनने का सपना। पुष्पा जी, आप दादी बनने का सपना छोड़िए और आज का ताजा खबर सुनिए। हाँ, अभी तुरंत एक सर्वे हुआ है, उसमें पता चला है कि शहर में महिलाओं पर होने वाला अपराध में ना भारी गिरावट आया है और जनता जनार्दन इसका श्रेय जो है हम लोग के महिला पुलिस थाना को दी है। सोचिए ना, नया साल के दिन पर ही हम लोग के लिए कितना ज्यादा गर्व का बात है। गर्व का बात तो है। जय हिंद मैडम। जय हिंद। और ये संभव हो पाया है मैडम सर का मेहनत, सब्र और समर्पण से। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। मैडम, आपका क्या रेजोल्यूशन है? हमारा तो यही है कि अब हमारे थाने में जितना भी केस आएगा ना, उसे हम मैडम सर का अनुसरण करते हुए करें। मतलब नो लात, सिर्फ जज्बात। हेलो, पिज्जा मिलेगा क्या? क्या पिज्जा भिजवाइए ना जल्दी, आप एड्रेस। नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? मैडम सर की बहुत याद आ रही। हाँ, हम ये कह रहे थे कि हेलो, मुझे पिज्जा चाहिए अभी, प्लीज आप एड्रेस लिखिए ना। टोपा इंसान, तुम्हारा पिछले साल का दारू अभी नए साल तक नहीं उतरा है क्या? पिज्जा चाहिए तो पिज्जा वालों को फोन करो ना, हमारा दिमाग का इतना पा रही हो तुम। पिज्जा चाहिए, अर्जेंट है, मुझे जरूरत है, प्लीज। एड्रेस है 303 गुलशन रोड, सेनाली मार्ग। हमको तो लगा था कि अभी 2 मिनट के अंदर इनका रिजोल्यूशन टूटने वाला है। नहीं 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 नहीं, पुष्पा जी नहीं, ये कोई रॉन्ग नंबर नहीं था, ये कोई लड़की है जिसको हमारा अर्जेंट हेल्प चाहिए, जो हमको डायरेक्ट बोल नहीं पा रही है। समझ रहे आप हमारी बात को? संतु, तुम मीरा के साथ जाओ, पिज्जा लेकर जाना और तुमको एड्रेस हम मैसेज कर रहे हैं। नए साल में नए केस का श्री गणेश करो, जाओ। जी ओके मैडम। आप? जी नमस्ते। नमस्ते, हम अंदर आ सकते हैं? हाँ आइए। लोग यहाँ सब ठीक है? हाँ। आपके घर में कोई लड़की है? जी हाँ, मेरी बेटी सुमुखी। अच्छा, और भी कोई लड़की है? नहीं नहीं, सुमुखी ही हमारी इकलौती संतान है और इस वक्त वो ही घर पर है। लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ है मैडम? आपकी बेटी को हमारे साथ थाने आना होगा। थाने? लेकिन क्यों मैडम, क्या किया मेरी बच्ची ने? उन्होंने महिला पुलिस थाने में फोन करके ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स का मजाक उड़ाया है, विच इज एन ऑफेंस। इसके लिए उन्हें हमारे साथ आना होगा, लीगल प्रोसीजर। एक मिनट, जरूर कोई गलत फहमी हो गई है, मैं अभी मेरी बेटी को बुलाती हूँ। सुमुखी, सुमुखी बेटा जल्दी बाहर आ। समझाओगी तुमने फोन काहे किया था पिज्जा के बहाने पुलिस स्टेशन में? तब तो तुम कह रही थी कि तुम्हें हमारा बहुत जरूरत है, तुम बहुत जल्दी में भी थी। अब हम तुम्हारे सामने बैठे हैं तुम्हारी मदद के लिए, अब हमें बताओ कि तुमने फोन काहे किया था, क्या दिक्कत हो गया, समझाओ हमको। कुछ तो बोलो बेटा, अगर तुम हमें कुछ बताओगे नहीं तो फिर हम तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे? तुम्हारा नाम क्या है? किसी ने छेड़ा तुमको, बदतमीजी किया तुम्हारे साथ? किसने किया तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार, नाम बताओ उसका। रिलैक्सेशन, अभी थोड़ी देर पहले ही आपने रिलैक्सेशन लिया था कि जो भी नया केस आएगा आप शांति से सुलझाएंगे। देखो, हमारे ना बाबूजी कहते थे कि अगर गलत को रोका ना जाए ना तो वो बढ़ता है। किस इंसान ने तुम्हारे साथ बदतमीजी किया तो उसको हिम्मत मिल जाएगा और उसका हिम्मत बढ़ जाएगा और वो तुम्हारे साथ और बदतमीजी करेगा, इसलिए उसके बारे में हमको बताना जरूरी है। तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। मेरा नाम सोमुखी शुक्ला है। कल न्यू ईयर ईव थी तो मैं, मेरे पेरेंट्स और मेरे कुछ दोस्त एक पार्टी में गए थे, हम सब एंजॉय कर रहे थे। मुबारक हो सर, आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू शर्मा जी। अरे शुक्ला जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी, थैंक यू, ये तो डिजर्व करते हैं। भला आजकल के जमाने में इतने अच्छे टीचर कहाँ मिलते हैं? अगर स्टूडेंट नालायक हो तो टीचर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर बारिश ही ना हो
तो जमीन तो सूखी ही रह जाएगी ना। बांस के पेड़ पर तो बारिश भी बेकार। अरे शांत भाई शांत, नए साल का स्वागत इस तरह से करते हैं क्या? पार्टी एंजॉय करो, हैव फन। म्यूजिक। सुमुखी? अरे बेटा तेरे को हुआ क्या? सुमुखी तू रो क्यों रही है ऐसे? हाँ मम्मा, वो शर्मा सर ने मेरे साथ मिसबिहेव किया। अंधेरे का फायदा उठा के उन्होंने मुझे किस किया। इसकी मैया का सासू मैया, इसे घटिया लोग कहाँ से पैदा हो जाते हमको समझ में नहीं आता है। मेरे पेरेंट्स और मैं एक पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट भी कराई थी उनके खिलाफ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो एक वेल नोन पर्सन है, उनके काफी कनेक्शंस हैं। मम्मी पापा को पता था कि पुलिस कंप्लेंट से कुछ भी नहीं होने वाला है, तो पापा ने जाकर कंप्लेंट वापस ले ली। फिर किसी ने आपका नाम लिया और कहा कि आप ही हैं जो मेरी इस मामले में हेल्प कर सकती हैं। मम्मी पापा को इस मामले में मैंने कुछ नहीं बताया, इसीलिए मैंने पिज्जा वाला बहाना करके आपको घर पर बुलाया था। पर यहाँ आते आते मेरी हिम्मत टूट गई और मैं बहुत डर गई। वो एक टीचर है, उनका इतना नाम है, मुझ पर कौन भरोसा करता? पर मैं जस्टिस चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उनको उनकी की सजा मिले। ऐसा जरूर होगा बेटा, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, वो जरूर जेल जाएंगे। सुनो, तुम्हारे पास उस टीचर का नंबर है तो मुझे अभी दो, अभी के अभी ढूंढ निकालूंगी कि वो है कहाँ एग्जैक्टली। पता कीजिए वो राक्षस कहाँ है, अभी उठा कर लाते हैं, निकालते हैं उसका सारा मस्ती। डिस्गस्टिंग, मतलब ऐसे आदमी को ना उल्टा टांग कर रट बरसाने चाहिए। शांत हो जाओ तुम सब, ये क्या बकवास लगा रखी है? पुलिस है हम, कायदे कानून के हिसाब से ही जाएंगे ना, शांति से काम लेना पड़ेगा। नहीं, शांति वाला मामला नहीं है ये क्रांति वाला मामला है। अखरोट उसको छीलकर नहीं खाया जाता, उसको तोड़कर ही खाया जाता है। पर ऐसे जो घटिया लोग होते हैं ना, जो ऐसा घटिया हरकत करने का हिम्मत करते हैं ना पुष्पा जी, उनको उनकी भाषा में समझाना बनता है। तजुर्बा कहता है हमारा, ईगो का इलाज कभी भी ईगो हर्ट करके नहीं किया जा सकता, उसे हमेशा पेशेंटली और समझदारी से ही हैंडल करना पड़ता है। हसीना मैडम ने कहा था कि जब भी ऐसा है करिश्मा सिंह गुस्से की वजह से अपना आपा खो दें, उन्हें ये क्लिप सुना देना। मीरा मैडम बिल्कुल सही कह रही है, ये मामला बहुत नाजुक है, वो एक शिक्षक है, ये बात अगर आम हो गई तो बाकी के सारे शिक्षक भी बदनाम हो जाएंगे जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लोगों में ज्ञान का प्रकाश बांटते हैं। अब एक गंदी मछली की सजा पूरे तालाब को देना भी तो सही नहीं है ना, इसलिए शांत रहिए और ठंडे दिमाग से सोचिए आपको क्या करना चाहिए। रिसोशोलन याद है ना आपको? वही तो प्रयास कर रहे हैं ना पुष्पा जी हम, कि हम ठंडे दिमाग से संयम से काम ले जैसे मैडम सर हमेशा लेती हैं। लेकिन नहीं, हम हमारे में इतना बर्दाश्त शक्ति नहीं है जितना मैडम सर में है। ये स्थिति ऐसे आती है जिसमें कोई लड़का ऐसा घटिया हरकत करता ना, हमारा दिमाग खनक जाता है, नहीं होता हमसे संयम, नहीं आता है हमको, नहीं होगा। आपको क्या लगता है ना, हम चूरन है दिमाग से जो हम कुछ भी कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे? जो होगा वो कानून कायदे में रहकर होगा। तुम हमें एड्रेस दो इसका, और चीते बिल्लू जाओ इसका कुंडली निकालो, शर्मा के बच्चे का पूरा कुंडली चाहिए हमको। मीरा और संतू तुम लोग जाओ इसके साथ इसके घर पे, कुछ और एविडेंस मिलता है तो वो हमको दो। जी हम जाएंगे शर्मा के बच्चे के घर पे। पुष्पा जी आप हमारे साथ आएंगे? जी चलो चलो चलो। शर्मा जी टीचर तो बहुत अच्छे हैं, व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा है सबसे। अब किसके दिल में क्या चल रहा है साहब, ये कौन बता सकता है। धन्यवाद है यार, शर्मा जी के बारे में हम भी पता किए हैं बिलोटे, अपने जमाना का टॉपर आदमी था यार। जब उनका नौकरी लगा ना तो सारा काम धंधा छोड़कर खाली टीचिंग लाइन में लग गए थे। तो इतना अच्छा आदमी होने के बाद से भी इतना टुच्चा हरकत यार, इंसानियत से हमारा तो भरोसा उठ गया है।
तू कब उठेगा? अरे क्या बोल, नहीं मतलब मैंने भी पता किया है, वो शराब नहीं, जुआ नहीं, ठरकीबाजी नहीं, फिर भी ऐसा है। वही ना बात है यार, मतलब कैरेक्टर का भी एकदम साफ आदमी है, पूरा छवि पर एक भी दाग नहीं है, फिर ऐसा हरकत यार। देखा आपने कैसे बात बात में मेरी बच्ची से चिपकने की कोशिश कर रहा है ये आदमी। मैडम जी मुझसे कह रहा था कि शालिनी जी आपकी बेटी को एक्स्ट्रा ट्यूशन दे दूंगा, उसे शाम को घर भेज देना, जबकि सबको पता है कि शाम को शर्मा की पत्नी 2 घंटे के लिए वहाँ अपने लेडीज क्लब में जाती है रोज, और शाम को तो ये आदमी घर पर अकेला रहता है ना, इसीलिए इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी बच्ची ने इसकी क्लास आधे में छोड़ दी थी। नहीं एक मिनट, मैं समझी नहीं इसका क्या मतलब हुआ। अरे मेरी बच्ची ने उसकी क्लास आधे में छोड़ दी थी, बस इसी बात की चिढ़ है उसे। एक मिनट, तुमने क्लास आधे में क्यों छोड़ी? मुझे उनके पढ़ाने का ढंग पसंद नहीं था। तुम्हारे कॉलेज में हमने पता किया तुम्हारी अटेंडेंस भी बहुत कम है। तब तो मैं रेगुलर अटेंड करती थी उनकी क्लासेस, चुपचाप उनकी क्लास में बैठी रहती थी, लेकिन जब से मैंने उनकी क्लास में सवाल जवाब करना शुरू किया वो तो जैसे मुझसे चिढ़ से गए, डांटने लगे, ह्यूमिलिएट करने लगे, सबके सामने चौक खींच कर मारने लगे। अब आप ही बताइए मैं ऐसे माहौल में कैसे पढ़ सकती हूँ, इसीलिए मैंने उनकी क्लास छोड़ दी। और तो और मैडम जी, जब हम आधे साल की फीस के पैसे वापस लेने गए तो पता है वो शर्मा की पत्नी कितना भड़क गई, बोल रही है कोई तरीका होता है क्या, पढ़ाई बीच में छोड़ोगे तो फीस वापस थोड़ी ना मिलेगी। सोचिए इतने लालची लोग हैं वो, हमारी फीस तक खा गए। तो वाकई बहुत घटिया इंसान है। मीरा कंफ्यूज्ड, मैंने अभी आपकी बेटी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया जहाँ पे उन्होंने यही मिस्टर शर्मा के साथ अपने टीचर के साथ एक फोटो डाली हुई है। काफी फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल फोटो है जिसका टैग लाइन है बेस्ट टीचर एवर। अगर आपकी बेटी को उनके टीचर इतने ही नापसंद है तो उनके साथ ऐसी पिक्चर डालने का मतलब, प्लीज एक्सप्लेन। हर स्टूडेंट के जैसे इसे भी अपने टीचर उस वक्त फरिश्ते लगे होंगे, डाल दी होगी उसने फोटो वोटो। अरे उस इंसान का असली चेहरा तो अब जाके दुनिया के सामने आया है, उसके अंदर का हैवान तो अब दिखा है ना। देखिए आप टेंशन मत लीजिए, हमारे देश के कानून में ऐसे मामलों में 90% फैसले लड़कियों के फेवर में होते हैं, और इस केस का फैसला भी आपके फेवर में होगा, और ये जो घटिया और कैरेक्टरलेस इंसान है ना, इसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैडम, ये सुमो की और उसकी माँ के ऑफिशियल स्टेटमेंट से तो ये लगता है कि ये शर्मा जो है बहुत ही घटिया और कैरेक्टरलेस इंसान है। नहीं नहीं मैडम, यहाँ पर पता करने पर तो एकदम ऑपोजिट रिपोर्ट मिला है। लोग बता रहे थे कि जो मास्टर है बड़ा ही भद्र पुरुष, एकदम सज्जन टाइप का आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। हाँ, यहाँ तो सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, मतलब उनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं निकल रहा है। हाँ। नहीं नहीं, कई बार मैडम क्या होता है ना कि इंसान जो प्रिटेंड करता है वो नहीं होता है। हो सकता है कि शर्मा भी ऐसा ही हो कि लोगों को दिखाने के लिए संत हो लेकिन असल में शैतान हो। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया आप दोनों ने, पर सही क्या है और गलत क्या है ये जब तक हम उस शर्मा के बच्चे से मिल नहीं लेंगे ना, तब तक सही गलत का क्या हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम उससे मिलना जरूरी है, इसलिए हम तुमसे बाद में बताते हैं हम, ठीक है? जी जय हिंद मैम, चलते मीरा मैम। चलिए जी अंदर आ सकते हैं जी, आइए ना। सुमुखी वाले केस में आपसे बात करना है। सुमुखी ने कंप्लेन की है। जी कंप्लेन की है, वो वीडियो फुटेज में ऐसा देखा गया है कि लाइट जाने तक जो है शर्मा जी आपके जी मेरे हस्बैंड है। हाँ, तो वो उनसे कुछ ऐसा बतिया रहे थे जिससे वो नाराज हो रही थी, वो इनकार कर रही थी, तो हम ये जानने आए कि ऐसा कौन सा बात जो उनको कह रहे थे जिससे वो नाराज हो रही है, हमको आप बता सकती हैं? दरअसल बात क्या है ना मैडम, मैं बताती हूँ आपको। मैं बताता हूँ मैडम आपको, जी ये मेरे हस्बैंड है आकाश शर्मा। आप ही है शर्मा जी? जी हाँ जी। जी मैं सुमुखी से ये कह रहा था कि अपने पेरेंट्स को समझाए, मैं अपनी पत्नी शकुंतला जी को भी समझाता हूँ कि बेकार का नॉनसेंस झगड़ा खत्म करो। अरे भाई जब वो हमारी ट्यूशन क्लास में नहीं आना चाहती तो प्रॉब्लम क्या है, उसकी मर्जी, और अगर वो पैसे वापस चाहते हैं दे दो भाई, बेकार का तमाशा क्यों बढ़ा रही हो। मैं तो समझा चुका जी, आप ही समझाओ प्लीज। मैडम दरअसल बात यह है ना कि उस लड़की का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, क्लासेस बंक करके रोज रोज वो अपने फ्रेंड्स के साथ मटरगस्ती करती रहती थी, और एक दिन उन्होंने उसे पकड़ लिया मटरगस्ती करते हुए, बस सब गड़बड़ वहीं से शुरू हुई। हम जब तक जाते उसके पेरेंट्स को कुछ समझाते, उस लड़की ने पता नहीं अपने पेरेंट्स को क्या पट्टी पढ़ाई कि सब कुछ गड़बड़ हो गया। शकुंतला प्लीज जाने दो। देखिए मैडम, हमें सुमुखी के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं करनी,
जैसा आपकी समझ में आए प्लीज कीजिए, बस जल्दी से जल्दी सब कुछ खत्म कीजिए। जी हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। चले? हाँ चलिए। मैडम नाइस टू मीट यू। तोते में कोई झोल तो नहीं लगा हमको, हाथ मिलाया हमने उनसे, हमको ना ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं लगा। जब तक पूरा प्रूफ इकट्ठा नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते क्या सही है और क्या गलत है। उसके लिए पूरा प्रूफ इकट्ठा करना पड़ेगा हमको। चलिए ना जल्दी, हमको भी है पुष्पा जी, लग रहा है आपको ज्यादा जल्दी है। हाँ भूख लगी है। पूछताछ में इतना बात सामने आया है ना, तो उससे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आदमी चरित्रहीन है। हमको तो लगता है आदमी चरित्रवान है, और हमको तो ये भी लगता है पूरा फसाद के पीछे ना कोई और ही बात है। इन मास्टर की तारीफ तो वो लोग भी करते हैं जिनकी खुद की कोई तारीफ नहीं करता। हाँ। क्योंकि दोनों मर्द है इसीलिए। मैं तो हूँ जिसका पता नहीं, प्रूव कर दे। और मर्द मर्द का ही फेवर करता है। और मुझे अच्छे से पता है जो शर्मा है ना यही घटिया आदमी है, इसने ये घटिया हरकत की है, वरना कोई भी लड़की इतनी बड़ी बात ऐसी नहीं बोल देगी। हाँ हाँ ये शर्मा हमको भी ना थोड़ा टेढ़ा इंसान लगता है, लड़की की बात में दम है, पर उसका स्टाइल देखा, इतनी उम्र में भी कैसा बनठन के रहता है। वाह पुष्पा जी, मतलब जो इंसान बनठन के रहता है, जो इंसान सच समर के रहता है, उसको हम लोग ऐसे जज कर लेंगे कि वो इंसान खराब ही होगा? अरे किसी के पहनावे से हम लोग कैसे जज कर सकते हैं कि वो इंसान अच्छा है कि खराब है? नहीं नहीं, नहीं ये आदमी गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ है। पर हर वक्त मर्द गलत होता है, ये भी तो सही नहीं है ना पुष्पा जी। औरत भी तो सही हो सकती है। जी FIR लिखानी है, कौन लिखेगा आप में से? हाँ 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 क्या हुआ, किसके खिलाफ लिखवानी है? रे 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 बिल्लुआ, मेरी ज्वेलरी की शॉप है यही पास में अलीगंज में, इस औरत ने मेरी दुकान में से सोने की कंगन चुराई है। अच्छा आपको कैसे पता कि इन्होंने चुराया? अरे मैडम मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूँ इसको झोली में कुछ डालते हुए। झूठ बोल रहे हैं, मैं गरीब हूँ चोर नहीं, मैं तो अपनी बेटी वास्ते सोने की लौंग लेने गई थी, मेरा फोन बजा, मैंने थैले च अपना हाथ डाला, फोन निकाला, बात की और फोन थैले च वापस रख दिया। इन्हों लगा मैंने ऐदा शोरूम का कंगन उठा के अपने अपने थैले च रख दिया। ये कितनी गलत बात है, किसी कितनी सारी महिलाएं खड़ी सी, इन्हों मेरे उत्ते क्यों शक किता? उत्ते क्यों शक कुत्ता चित्ता किता क्यों किता? तो और क्या करूं, कितनी मीठी मीठी बातें कर रही है, हुलिया तो देखिए इसकी कितनी बड़ी भिखारी लग रही है। मैं गरीब हूँ, क्या हर गरीब चोर होता है? क्या इंसान का रख रखाव उसके हुलिये से ही होता है? देखिए, अरे हाँ हाँ हम भी तो वही कहने जा रहे हैं ना कि बिल्कुल नहीं, इंसान की पहचान तो उसके कर्मों से होती है, ना ही उसके रख रखाव से। बिल्कुल। अब किसने क्या पहना है इससे उस इंसान का अच्छा या बुरा होने का क्या संबंध? अच्छा पुष्पा जी, तो फिर आप आकाश शर्मा के रख रखाव से उसके सही और गलत का अनुमान कैसे लगा सकती हैं? धन्यवाद पुष्पा जी की तरह अभिनय ना करने के लिए, आप जा सकते हैं। प्रणाम चाचा, प्रणाम। प्रणाम। एक बात ना आप सब लोग अच्छे से समझ लीजिए, इंसान जैसा दिखाता है वैसा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, मतलब इंसान जो है ना दो रूप जी रहा है, एक वो जो दूसरों के लिए होता है और एक वो रूप उसका अपना असली रूप जो वो खुद ही जानता है। इसलिए हमें दोनों का पक्ष सुनना होगा, अच्छे से तफ्तीश करनी होगी, उसके बाद ही हम सही गलत का अनुमान लगा पाएंगे। उससे पहले तो दोनों ही सही और दोनों ही गलत, दोनों ही अच्छे और दोनों ही बुरे, समझ रहे हैं आप हमारी बात को? और इसका पता लगाएंगे अब हम अपने तरीके से। अपने तरीके से? तो फिर आपका रिलो सिचुएशन था क्या? हे अंग्रेजी की माँ। अम्मा मीरा कहाँ है? मीरा, मीरा तुम और संतु जाओगे शर्मा के इंस्टीट्यूट पे स्टूडेंट्स बनके। मैं जाऊँ स्टूडेंट बनके? स्टूडेंट का दादा लगता है तुम। और तुम दोनों में से कोई भी एक शब्द बोलेगा तो दोनों हॉस्पिटल में होगे। तुम दोनों जाओगे इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स बनके ये पता लगाने के लिए क्या वो वाकई में गलत इंसान है जो औरत को औरत नहीं एक वस्तु समझता है, या फिर एक नेक इंसान है जिस पे वो लड़की झूठा इल्जाम लगा रही है। समझ रहे हमारी बात को? आप दोनों जाइए और इस केस को आगे बढ़ाइए। ओके मैडम। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है। यस मैडम। मैडम
एक्सक्यूज मी वंस मोर प्लीज। हाँ, हम फिर से दोहराते हैं, हमें उस रात जो हुआ था उस पार्टी में जब सुमुखी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था वो घटना दोबारा दोहराना है। कब लाइट गई थी, कब कौन उसके पास आया, किसने उसको छेड़ा, वो सारी चीजें वापस दोहरानी है, अब समझे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब करके क्या फायदा है? मतलब पिछली बार भी हमने ऐसा ही एज्यूम किया था और मैं जूम आउट हो गया था। हम देखे थे। मनोविज्ञान बोलते हैं ऐसे, जब हमारा कोई चीज खो जाता है ना तो उसको ढूंढने का सबसे सटीक तरीका यही है कि हम वो चीजें दोबारा दोहराए, सोचे कि हमने कहाँ रखा था, हम कहाँ थे। इससे 90% चीजें हमको वापस मिल जाती है, समझे? यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, वो पार्टी वाला घटना दोबारा दोहराएंगे ताकि ये जो अनसुलझी कड़ियां है ना ये हम जोड़ सके। हम बस यही प्रयास करें कि कैसे भी करके सच हमारे सामने आ जाए, समझ गए सबके सब? यस मैडम। वेरी गुड। मीरा, आप बनेंगी सुमुखी। ओके। आप बनेंगी आकाश शर्मा। पता था हमें, हमें विलन बनाएंगी। आप बनेंगे माता पिता। हाँ हाँ, मैं पिता तुम माता। पुष्पा जी, आपको यानी कि आकाश शर्मा को सुमुखी का हाथ पकड़ के उसको छेड़ देना है, ठीक है? मैडम, मैं क्या बनूं? तुम वेटर बन जाओ। और पुष्पा जी सुनिए, थोड़ा डांस होने देना, उसके बाद जाके बीच में लाइट ऑफ कर कराना। हाँ ठीक है, चलो चलो डांस। मारना नहीं। ओके। सिर्फ मुझे छेड़ा, मुझे छेड़ा, ठीक है? ओके। चलो डांस करो, माहौल बनाओ, पार्टी चल रही है। चलो पुष्पा जी, लाइट्स। अरे हाँ। अरे लाइट चली गई। लाइट चला। हे पत्नी, कहाँ हो तुम? मुझे छेड़ा, मुझे छेड़ा, मुझे छेड़ा, मुझे लाइट ऑन कीजिए, लाइट ऑन कीजिए। मुझे छेड़ा, मुझे छेड़ा, मुझे छेड़ा, मुझे छेड़ा, मुझे छेड़ा, मुझे छेड़ा, मुझे छेड़ा। हम तो उन तक पहुंचे भी नहीं है मैडम। मुझे लगा कि मेरी पत्नी साथ में है, मतलब चीता साथ में है, इसलिए वो समझ के हाथ पकड़। ओहो, कितना ज्यादा भोला भंडारी है तुम। एक मिनट, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस रात सुमुखी के साथ दुर्व्यवहार किसी और ने किया हो और फंस कोई और गया हो। संतु, तुम हमें उस पार्टी का सीसीटीवी फुटेज दोबारा दिखाओ। इतना अंधेरा है, क्या खाक पता चलेगा इसमें से क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था? नहीं मैडम, हमारे पास लॉबी वाली फुटेज भी तो है। तो वो कब दिखाओगी? जब आप बोलोगे। ओह, ये मासूमियत अचानक से। अभी दिखा संत। हाँ? एक मिनट, ये कौन है? ये कौन भागा? ये लड़का कौन भागा? मुझे नहीं पता। चुप रहो। ये इस लड़के के बारे में पता लगाना होगा, ऐसे कैसे भागा ये? इसका मतलब ये है मैडम कि अकस्मात तो सच में बेकसूर है। नहीं चीते, जब तक असली गुनेगार साबित नहीं हो जाता तब तक कानून की नजरों में सब गुनेगार ही रहेंगे। आकाश शर्मा अभी भी शक के दायरे में है। मीरा और संतु, जैसे डिसाइड हुआ था कल आप जाएंगे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स बनके, और पुष्पा जी कल आप हमारे साथ आएंगे। जी, हम भी देखते हैं ये छोटा पॉकेट शाहरुख खान का चीज है। अरे इधर भी देख लो, आइए। हेलो सर, न्यू स्टूडेंट, आई एम सुनिधि। एंड आई एम श्रेया। वेरी गुड। आप बैठो बैठो बैठो। मेरा मैडम, इनकी एक्टिविटी पे ध्यान देना। ओके। क्या कर रही? ढंग से करो, ढंग से नहीं पिटाई कर दूंगा, समझे? मिस सुनिधि सर। सुनिधि, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है? वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि बोर्ड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अरे तुमने तो कुछ लिखा भी नहीं। अब कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। आप कम ऑन, डरो मत, घबराओ मत, आ जा, आ जा, आ जा। Come on. ये लो, करो, सॉल्व करो।
अरे मैं बताऊंगा, समझो। हाँ करो करो। संतु जी को परेशान किया, तुम छोड़ेंगे नहीं तुमको, छोड़ेंगे नहीं तुमको, हाँ छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं तुमको, हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं तुमको, छोड़ेंगे, छोड़ मुझे, छोड़, छोड़, छोड़ेंगे नहीं। ये क्या चीते सपने में मुझे मार रहा है? ये वर्दी नहीं होती ना तो तुझे दिखा देता मैं। कहाँ बता देता, कहाँ बता, जानते है कितना बुरा सपना आया हमको? हमारी भोली सी प्यारी सी खरहा जैसी संतु जी ना वो राक्षस के गुफा में अकेले गई हुई है, कितना टेंशन हमारे कपार पर, तुम यहाँ पर नाच रहा है तकला दानव कहीं का, कुछ कर भी लौटे। Hey, Chite, my Miraji with your Santoji. Don't take tension, relax, chill, chill more. Sir, can I solve this problem? हाँ, क्यों नहीं? करो करो। सुपर। आज का क्लास खत्म होता है, आप लोग जाइए। सुपर, बहुत ब्रिलियंट हो, मान गए। मैं क्या बोलता हूं सुनिधि, यू नीड एक्स्ट्रा क्लास। आप ना मेरे केबिन में आके उससे मिलो, ठीक है? यस सर। कम ये तो वही लड़का राहुल है ना जो सीसीटीवी फुटेज में लाइट्स ऑफ होने के बाद भागता हुआ दिखाई दिया था। ये राहुल की जानकारी जो चीते ने भेजी उससे यही प्रतीत हो रहा है कि यही सारे फसाद का जड़ है ना। कैरेक्टर इसका ढीला है थोड़ा, समझ नहीं है, जहाँ लड़की देखता है वहाँ फिसल जाता है ये, हर लड़की को पटाने का कोशिश कर रहा है। टोपा इंसान। लगाइए। हाँ लगाइए ना। पक्का? पक्का मतलब क्या, हाँ लगाना ही पड़ेगा ना। दिमाग भरा गया है क्या आपका? चीते ने फोन नंबर दिया, वो फोन नंबर लगाइए। हेलो हेलो, आप राहुल बोल रहे हैं? हाँ राहुल बोल रहा हूँ, आप कौन? जी मैं पल्लवी बोल रही हूँ, हमारी कॉमन फ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया था। आप वही ज्वेलरी क्लीनिंग का काम करते हैं ना? जी करता हूँ। जी बस मुझे उसी सिलसिले में आपसे मिलना था, आप कब मिल सकते हैं हम? जब आप कहें, मैं आधे घंटे में शॉप पर पहुँच जाऊँगा, वहीं मिल लीजिए। तो इस वक्त आप कहाँ हैं? शाहजहाँ मार्ग बल्ली रोड पर। क्या शाहजहाँ मार्ग बल्ली रोड पर? क्या इत्तेफाक है ना। मैं भी बस इधर ही हूँ आसपास, मैं आपसे मिलने आ जाऊँ? हाँ तो यही मिल लीजिए। हाँ हाँ बस मैं आपके पास पहुँचती ही होंगी। वैसे मैंने 31st को भी बहुत ट्राई किया था आपको फोन करने का, पर आपका फोन लगा नहीं। हाँ 31 की रात को न्यू ईयर पार्टी थी ना, एक पार्टी में था, वैसे उस रात का नाम मतलब घबराहट होती है, जैसे तैसे बच गया। क्यों कुछ हुआ था ऐसा कुछ? अरे ये सब छोड़िए, आप बताइए आप पार्टी वार्टी करती हैं कि नहीं? हाँ हाँ हम भी पार्टी करते हैं, क्यों नहीं, बहुत पार्टी करते हैं। तो चलिए हमारे साथ पार्टी करने। हाँ हाँ बिल्कुल पार्टी करेंगे आपके साथ, कब करनी है पार्टी बताइए। अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है, वेज या नॉन वेज? खाने में सब खाते हैं ना, हम लखनवी है, सब कुछ खाएंगे। चलिए हमारे साथ खाने पे, सबसे बेस्ट जगह लेके जाएंगे आपको। क्या खिलाओगे? तुम ही हो ना जिसने उस रात बदतमीजी की थी उस लड़की के साथ, तुम्ही ने अंधेरे का फायदा उठाया था ना, तुम्ही ने बदतमीजी किया था उसके। अरे भाई तो कुछ मुझे जल्दी आई। हाँ हाँ बैठो। हाँ मीरा मैडम कैसी हैं आप? हमारी संतु जी कैसी हैं? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना मैडम? देहरादून वाली मौसी से बात कर रहे हैं क्या? सब कुशल मंगल ऐसे बात करते, इधर लाओ।
मीरा जी, बिल्लू द स्पाइक हियर, आप कैसी हैं? संतोष जी कैसी हैं? हाँ। मैं ठीक हूँ और कांस्टेबल संतोष शर्मा टीचर आकाश शर्मा के कैबिन में गए हैं अकेले उनसे मिलने के लिए। का? अकेली? यस, आकाश शर्मा ने उन्हें अकेले ही बुलाया था। मेरा बेटा क्या कर दिया, अनर्थ कर दी, नन्ही सी जान, प्यारी सी खड़ा जैसी जान हमारी संतू जी को राक्षस के केबिन में अकेला भेज दिया। आप मैडम बचाइए उनको, प्लीज बचाइए आप मैडम, कुछ भी करके हमारी संतू जी को बचाइए। बचाओ मीरा मैडम। मीरा जी, मीरा जी क्या हुआ आपको? संतू जी है वो, संतू जी का आवाज है वो। ओके तो ठीक है, काटी करे, काटी करे। नहीं नहीं नहीं, मेरी मीरा जी है वहां, संतू जी को बचा लेगी। You are under arrest. आपको molestation के charges में arrest किया जाता है। कहाँ भाग रहे हो? वो रहेंगे हम। मैंने कुछ सच नहीं बताया ना उनको, तुम नहीं छेड़ा था ना उस लड़की को? ना बताओ हमको। मैम मिस बोले बोलो। नहीं बताओगे? जल्दी बोलो, पर इनका रिसर्चेशन टूट जाएगा। क्या? क्या बोला आपने? तुम बताते हो? नहीं मैम, बताता हूँ। मैं और सुमुखी दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और ये बात भी सच है कि मैं सुमुखी को बहुत पसंद करता हूँ और पार्टी वाली रात उसे प्रपोज करने वाला था। लेकिन आप ही बताइए, जैसे मैं प्रपोज करने वाला हूँ उसके साथ मिसबिहेव कर सकता हूँ क्या? पूरा बात बताओ हमको अच्छे से। मैम मैं गया था उसको प्रपोज करने, लेकिन वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी? किसी से झगड़ रही थी, कह रही थी अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बहुत पछताओगे तुम। सुमुखी ऐसा बोल रही थी? हाँ मैडम, मैं तो बहुत डर गया था इसलिए मैंने उसे प्रपोज नहीं किया और उल्टे पैर भाग गया और फिर लाइट चली गई और ये सब हो गया। चीता? हाँ चीते बोल। आकाश शर्मा पकड़ा गया पुष्पा जी। का? बेटा तुम भगवान का शुक्र मनाओ कि हम लोग यहाँ पर थाना में हैं, हम वर्दी में हैं और हम यहाँ पर ड्यूटी पर हैं। तो माँ कसम तुम्हारा वो हाल करते ना बाबू, एकदम गन्ना की तरह मशीन में डालकर सारा रस निकाल कर तुम्हारा झाड़ू नहीं बना देते, तो हमारा नाम भी चीता चतुर्वेदी नहीं। Now my turn. दुआ करना तुम पर चार शीट बने, लेकिन मेरे साथ मेरे बिल्लू निवास में ना रखा जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बेइज्जत बरी कर दिए जाओगे सीधा ऊपर। पता नहीं ऐसा क्या कर दिया इस संतू जी के साथ, बेचारी कुछ बोल ही नहीं रही, एकदम चुप्पी साधे बैठी हुई है। और संतू जी के साथ ऐसा किया तो हमको इस बात का बहुत ज्यादा टेंशन है कि बेचारी सुमुखी के साथ क्या किया होगा ये राक्षस इंसान। संतू जी कुछ बोलिए ना, आप कहे नहीं बोल रही है। संतू जी बोलिए ना, क्या किया निशाचर आदमी? अब इस घटिया आदमी का फैसला कोर्ट करेगा और इसे हवालात में डालेगी हमारी संतू। संतू के साथ तुमने घटिया और जलील हरकत किया, तुमको शर्म नहीं आया? डालो संतू इसको जेल में, डालो। संतू सोच कर रही हो? देखो कानून अपना काम करेगा, मगर इसे इसे जेल में ना तुम डालोगे। उठाओ इसे, डालो जेल में। संतू जी इससे पहले कि हमारा संयम हमारा साथ छोड़ दे, हम भूल जाए कि हम पुलिस वाला है, इस आदमी का कचुम्बर बना दे, आपसे ना हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं संतू जी, इसको ना जेल में डाल दीजिए। पुष्पा जी क्या हुआ संतू, क्या छुपा रही हो तुम? हमारी तरफ देखो, बताओ हमको क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या किया इसने बताओ हमको संतू? बोलिए संतू जी बोलिए। बोलो झूठ बोल रहे हैं मैडम, ये उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सुमुखी ने इनके ऊपर गलत इल्जाम लगाया है, झूठा इल्जाम लगाया है। बैठो, मैं जानता हूं तुम स्टूडेंट नहीं हो, पुलिस वाली हो। टीचर हूं, स्टूडेंट को पहचान लेता हूं और मैं ये भी जानता हूं कि तुम सुमुखी वाले मामले की जांच करने आई हो और इस सो कॉल्ड राक्षस की सच्चाई जानने आई हो।
सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूँ। उस रात घटना से ठीक पहले मेरा एक अर्जेंट कॉल आया और मैं कॉल अटेंड करने के लिए बाहर गया। जब न्यू ईयर सेलिब्रेशन के वक्त लाइट ऑफ हुई मैं बाहर ही था, और जब मैं वापस आया तो सुमुखी के साथ घटना घट चुकी थी। मैंने कुछ नहीं किया। किया क्या? मैं तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। वो मेरी स्टूडेंट, मेरी बेटी जैसी है। मैं उसके साथ ऐसी नीच और घटिया हरकत कैसे कर सकता? मैं निर्दोष हूं और यही सच है। और हाँ, उस दिन एक और वाकया हुआ। जब मैं अपनी कॉल अटेंड कर आ रहा था तो अचानक मेरे पास कोई भागा, मुझे धक्का भी लगा, लेकिन उस रात माहौल ही कुछ ऐसा था कि उस तरफ ध्यान ही नहीं गया। अब मैं जो कह रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनना और बाहर जाकर सबको यही कहना कि मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। मैं बहुत ही घटिया जलील किस्म का इंसान हूं, बिल्कुल वैसे जैसे सुमुखी मुझे बता रही थी। लेकिन क्यों? प्लीज पहले आप मेरी बात सुनिए। उस रात सुमुखी ने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी, और उसने उस धमकी पर खरा उतर कर दिखाया, मुझ पर इल्जाम लगाया। सुमुखी भी बच्ची नादान है, उसके आगे सारी जिंदगी पड़ी हुई है। अगर लोगों को पता चला कि उसने मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया है तो उसकी ये बदनामी जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए आपसे नाटक करने के लिए कह रहा हूँ बेटा। मैं एक टीचर हूँ, टीचर का फर्ज होता है अपने बच्चों का भविष्य बनाना, ना कि बिगाड़ना। मेरे साथ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तुमने क्या किया बेटी? मैंने कहा था ये बात सामने नहीं आनी चाहिए, फिर क्यों? क्योंकि सर हमारी सोसाइटी को सुमुखी जैसी लड़की की कितनी जरूरत है ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि आप जैसे आइडियल टीचर की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो अपने स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए अपना पूरा करियर सैक्रिफाइस करने को तैयार है। गजब हो गया आज तो, मतलब कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था हमसे आज। कितना बड़ा पाप हो जाता अगर आप जैसे एक नेक इंसान के साथ अगर गलत हो जाता तो। संतू, बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस गलती से बचाने के लिए। माफ कीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हम भी इंसान हैं, बवंडर हो गया, हमसे शर्मिंदा है बहुत ज्यादा। अरे नहीं नहीं मैडम, आपने तो बस अपना काम किया है, इसमें आपका कोई दोष नहीं। पर मैं ये कह रहा था, जब सच्चाई आप जान ही गई हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, उस बच्ची को कुछ मत कहिएगा, उसे माफ कर दीजिएगा, अभी नादान है वो। जी हम समझते हैं, आप निश्चिंत रहिए, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। संतु जीते, मास्टर जी को उनके घर पर छोड़कर आइए पूरे सम्मान के साथ। जी मैडम। आइए सर, आइए। आई एम ऑल्सो सॉरी सर। सर आई एम रियली वेरी सॉरी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लड़की हूँ ना, तो लड़की पर बात आई तो थोड़ी सी बायस हो गई मैं। मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि सुमुखी जैसी लड़कियाँ भी है जो लड़की होने का फायदा उठाती है। प्लीज ऐसी बात मत कीजिए, अब जो होना था सो हो गया। अब हमें ये देखना है कि सुमुखी को कैसे सही राह दिखाई जाए। आप लोगों ने घर छोड़ा, इसके लिए धन्यवाद, चलता हूँ। कहे थे ना हम संतु जी, कहे थे ना बिलोटे, 10 बार कहे थे ना हम, किसी भी इंसान के चरित्र का ऐसे अनुमान उसके पहनावे, उसके रख रखाव से नहीं लगाना चाहिए। कोई भी इंसान अच्छा है कि बुरा है ये उसको देखने से हम लोग कैसे जज कर सकते हैं? हैं, ये तो उसका अपना इंसानियत होता है ना, ये तो उसका अपना अच्छाई बुराई होता है। ये बात हम सबको बोले थे लेकिन संतु जी भी नहीं मानी हमारा बात। हाँ हो गई मुझसे गलती, माफ कर दो। ठीक है किए, स्माइल करके बोल। ठीक है संत जी, कर दिए। प्यार से ए, 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 हो गए मुझे भी आजकल ना थाने से ज्यादा दूर रहा नहीं जाता, थाने की याद सताती रहती है, आती रहती है। ए, चलो चलो, उस सुमुखी को भी सबक सिखाना है। उसके लिए करिश्मा मैडम है ना, ऐसा सबक सिखाएगी उस सुमुखी की बच्ची को कि याद रखेगी जिंदगी भर। चलिए चलिए, चल बिलोटे, चल चल।
ये लीजिए, एक और चाय पीजिए, शायद इसे आपके दिमाग की खिड़की खुले। हाँ, मगर जो कुछ भी करेंगी ना, बिना अपना रेजोल्यूशन तोड़े। एक तो पहले आप ये शब्द बोलना सीखिए, नहीं बोला जाता तो मत बोला कीजिए ना। एक ही शब्द के ना 4000 शब्द बोल चुकी हैं आप दो ही दिन में, समझ गए आप हमारी बात को? और इतना ही हमारे सोचने में शक्ति होती तो क्या हम मैडम सरना बन जाते? हमारे दिमाग में सिर्फ तोड़ने फोड़ने के आइडिया आ रहे हैं और हमें किसी को नहीं तोड़ना, अभी किसी को भी नहीं तोड़ना। हम ऐसे टाइम के लिए मैडम सर ने कोई रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ा तुम्हारे साथ? हाँ है, छोड़ कर गई हैं। भाई मैया की तो कब फटोगी? मैं कोई पटाखा नहीं हूँ जो फटूंगी। बको बको, क्या रिकॉर्डिंग है बको? जब भी कोई फैसला लेना हो तो गुस्से में नहीं लेना चाहिए, गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। बिल्कुल सही, बस इतना ही है? नहीं मतलब और होगा ना आगे? हाँ हाँ, तो बोलो। जब भी कोई कदम उठाना हो तो सोच समझ के उठाना चाहिए, जज्बातों के साथ। आगे 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 आगे। और तजुर्बा कहता है हमारा कि जिस तरह एक बार धोखा देने वाला दोबारा धोखा जरूर देता है, उसी तरह एक बार चोरी करने वाला भी दोबारा चोरी जरूर करता है। सब अपनी फितरत से मजबूर होते हैं, इसलिए अगर सच को बाहर लाना है तो झूठ को दोबारा मौका देना होगा।